तो हम अपने राइट, हम किसी बता दुआ बताते हैं, किसी भी फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे, तो उसकी प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखती है, तो उसकी प्रॉपर्टीज के डिटेल्स वाले सेक्शन में हम जाएंगे, और डिटेल्स वाले सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पे डेली यूज हम टाइटल्स को या सब्जेक्ट को मेंटेन करेंगे, हम कैटेगरी को भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, कोई कमेंट है कमेंट डाल दीजिए। टैग, टैग का इस्तेमाल होता है जैसे कि आप फाइल का नाम से सर्च करेंगे, मान लीजिए कि 6 महीने बाद इसी फाइल को आपको खोजना है कि आपके किस ड्राइव के किस फोल्डर में पड़ा हुआ है, तो हर बार आपको क्या करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। तो सर्च में आप फाइल नेम को सर्च करेंगे, बट फाइल नेम को अगर आप सर्च करते हैं तो अगर फाइल नेम याद नहीं रहा तो, जैसे गूगल में आप जाते हैं तो कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड चीज आ जाती है, तो ऐसे टैग मतलब कीवर्ड आप सेट कर सकते हैं कि इस फाइल को आप और कितने नामों से जानते हो, वो सारे नाम यहाँ पे अगर आप डाल देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे डाल दिया एक्स, यहाँ पे एक्सेल, मैं यहाँ पे डाल दे एक्सेल, मैं डाल दिया यहाँ पे वीवीए, मैं डाल देता हूँ MIS, मैं डाल देता हूँ डैशबोर्ड। तो अगर मैं सर्च करूंगा एक्सेल या वीवी या MIS या डैशबोर्ड, तो मेरा ये फाइल भी आ जाएगा। उसके बाद इस पे आप अप्लाई कीजिए इसको एंड ओके कीजिए, उसके बाद हम इसको रिफ्रेश करते हैं। उसके बाद अगर हम इस पे कर्सर रखेंगे तो देखिए टाइटल क्लास डेली फाइल, तो अब मुझे इसके अंदर क्या है इस चीज के लिए ओपन करने की जरूरत नहीं है, विदाउट ओपन किए ही मुझे यहां से दिख रहा है। तो ये हो गई फाइल की प्रॉपर्टीज मेंटेन करना। सर क्या हुआ अभी? एक कॉल उसी मोबाइल से जॉब कर रहा था मैं, तो ये चीज हो गई। अब बात करते हैं सेकेंड चीज टेम्पलेट के बारे में। जब भी शायद आप लोगों ने कभी ध्यान दिया होगा कि फाइल मेनू बार पे आप जाते हैं तो जब न्यू मतलब कि न्यू पे क्लिक करते हैं, नई फाइल्स जब आप लेते हैं तो आपके पास जो है यहाँ पे बहुत सारे ये आ जाते हैं आपके नीचे, बहुत सारे सैंपल आ जाते हैं। तो ये सैंपल क्या है, ये बने बनाए टेम्पलेट्स है, तो इन फ्यूचर में कभी आपको जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने का मोटिव ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपको एक इनवाइस का फोल्डर बनाना है, आपको एक इनवाइस का फोल्डर बनाना है, बट आपको नहीं पता है कि इनवाइस का फोल्डर जो बनाना है वो आखिर कैसा बनता है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है, या आप बुलाना चाहते हैं लेकिन आपके पास आपने कभी देखा नहीं है, टाइम नहीं है, या कुछ आइडिया नहीं है, तो आप जो है यहाँ पे आपके न्यू पे जाके आप सर्च कर सकते हो, जैसे कैलेंडर या कैलेंडर बना हुआ है, बहुत सारे इसमें होते हैं, और उसके अलावा आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बिल सर्च किया। तो ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, जिसका ध्यान आप रखिएगा। भी आ रहा है सर, वेट करता है।
ये थोड़ा सा स्लो चलता है सर, क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। अभी गोटो मीटिंग मेरा चल रहा है, इस कारण स्लो हो गया होगा। तो यहाँ पे इतने सारे आप देख रहे हैं कि इनवाइसेस के फॉर्मेट है। अब जो फॉर्मेट आपको चाहिए उसको आप सेलेक्ट कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। अब इसमें आप ना अब छोटी मोटी एडिशन कर लीजिए, एडिशन करते हैं आपका इनवॉइस तैयार है। तो एक तो है कि आप जो है इंटरनेट से भी जो जो आपकी टेम्पलेट है उससे ले सकते हैं, या आप चाहो तो आप खुद की टेम्पलेट बना भी सकते हो। अब खुद की टेम्पलेट बनाने का पर्पस क्या है उस चीज को जानिए। आप डेली बेसिस में रिपोर्ट बनाते हैं अपने ऑफिस का, तो क्या करते हैं कि प्रीवियस रिपोर्ट को लेते हैं, उसको सेव एज करते हैं। प्रीवियस रिपोर्ट को लेके आप उसको सेव एज करते हैं नया रिपोर्ट में, और फिर कल वाली जो डेटा है उसको क्लियर करके आप आज की डेटा डालते हैं। हर दिन आपका यही काम करना होता है। बट कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लीजिए आज किसी को रिपोर्ट भेजना था, तो आज आपके आपने एक कॉलम रिपोर्ट का एक कॉलम को डिलीट करके भेजना था, आपने डिलीट करके भेज दिया। बट कल आपको ये बात याद रहेगी कि मैंने एक कॉलम डिलीट करके भेजा था जो कि सिर्फ कल के लिए था, तो ठीक है। लेकिन अगर ये चीज याद नहीं रही तो फिर आप उसी रिपोर्ट को वापस भेज देंगे। इसलिए हम टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं। तो टेम्पलेट कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा टेम्पलेट बना रहा हूं, छोटा सा मैं बना रहा हूं रिपोर्ट। ये हुआ। अब मुझे डेली बेसिस में इस फॉर्मेट को भरना होता है। मैं लेआउट में आता हूं, रिपोर्ट लेआउट में, यहां से मैं इसकी गिर लाइन हटा देता हूं। तो गिर लाइन हट गया। तो डेली बेसिस में मुझे क्या करना होता है, इस फॉर्म को भरना होता है। तो जनरली क्या होता है कि आप पिछली वाले फॉर्म को उठाते हो, सेव एज करते हो, फिर इसकी फॉर्म को भरते हो आप। तो इससे अच्छा है कि हम क्या करें, इस फाइल को सेव एज करें टेम्पलेट में, सेव एज करें टेम्पलेट में। ब्राउज कीजिए और यहां जो सेव एज टाइप होता है नीचे में, सेव एज टाइप पे जाएं और यहां पे आपको एक्सेल टेम्पलेट दिखेगा, और एक पर्टिकुलर लोकेशन में जाके उस टेम्पलेट को सेव कर दीजिए। तो टेम्पलेट सेव करने के बाद बेनिफिट क्या होगा कि कल के डेट में अगर आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए, एक तो इसका आइकन चेंज हो जाएगा डेस्कटॉप पे। आपको कुछ नहीं करना है, इस पे डबल क्लिक करना है। तो आपको यहां पे क्लास फाइल दिख रहा है, यहां पे ओपन होगा क्लास फाइल 1, क्लास फाइल 2, इस तरीके से।
क्लास फाइल वन ओपन हुआ, तो आपको ये हमेशा नया देगा। तो हर बार आपको अपनी ओरिजिनल डेटा को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हर बार आपको ये ब्लैंक देगा, जैसे कि एक्सेल वर्कबुक देता है उस तरह से आपको ये ब्लैंक डेटा देगा। इसलिए हम टैंपलेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो टैंपलेट के बाद आता है, हम बात करेंगे कस्टम लिस्ट की। जैसे कि आप जनवरी लिखते हैं और जनवरी लिखने के बाद नीचे ड्रैग करते हैं तो जैन फेब मार्च आता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसी तरीके से आपने अगर संडे लिखा और नीचे की तरफ ड्रैग किया तो संडे मंडे ट्यूजडे आ जाता है। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने किसी क्लाइंट का नेम या किसी प्रोडक्ट नेम या सिटी नेम या अपने टीम का किसी नेम का नाम लिखें और जब ड्रैग करें तो आपके बाकी टीम मेंबर का नाम ऑटोमेटिकली इसी तरीके से आना चाहिए। तो मेरे सिस्टम भी आ रहा है बट आपके सिस्टम पे नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐड करना होता है। तो फाइल मेनू बार के अंदर जाएंगे, आपको जाना है ऑप्शन में, फाइल मेनू बार के अंदर ऑप्शन में जाना है और उस ऑप्शन में जाने के बाद आपको, अच्छा आप लोग जो लिखे नोटपैड में सिर्फ डाउट को लिखे, क्योंकि ये सेशन को मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं तो हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग क्लास के बाद आपको मैं भेज दूंगा तो उसको आराम से बैठ के देख लीजिएगा। तो आप सिर्फ जो डाउट अभी आपको पूछने हैं सिर्फ उसी को आप अपने नोटपैड में लिखिएगा, हर एक चीज को हर एक स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग आपको हम दे देंगे तो उस चीज से आपको एक तरह से डिजिटल नोट मिल जाएगा आपको। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि हम इसकी एडवांस में आएंगे, जब एक्सेल ऑप्शन ओपन करेंगे तो इस तरह का आइकन ओपन होगा और इसके सबसे नीचे हम एडवांस पे आएंगे तो यहां पे दिखेगा कस्टम लिस्ट, एडिट कस्टम लिस्ट। इस पे जाइए और न्यू लिस्ट पे जाके अपना लिस्ट टाइप करिए। अगर 5-10 नामों का लिस्ट है तो टाइप कर लीजिए, नहीं लिस्ट ज्यादा है काफी बड़ा लिस्ट है तो फिर उसको आप क्या करें, यहां सेलेक्ट करके यहां से इंपोर्ट कर सकते हैं। यहां पे क्लिक करें और जो जहां पे है टाइप किया हुआ आपके एक्सेल शीट पे, अगर ऑलरेडी टाइप है तो आप दोबारा टाइप क्यों करेंगे, तो उसको सेलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जो आपने एक्सेल ऑप्शन में जो तो एक कस्टम लिस्ट है या किसी भी तरह की सेटिंग को आप छेड़छाड़ करते हैं या चेंज करते हैं तो सिर्फ ये इसी पर्टिकुलर वर्कबुक पे नहीं, ये ओवरऑल एप्लीकेशन पे वर्क होता है, क्योंकि आप जो सेटिंग चेंज कर रहे हैं पूरी एप्लीकेशन की सेटिंग चेंज कर रहे हैं। तो यहां से जैसे मैं बाय डिफॉल्ट जो होता है मंडे ट्यूजडे सैटरडे जनवरी फरवरी मार्च होता है, लेकिन आप अपने हिसाब से, ये देखिए मैंने यहाँ पे पूजा सिटी नेम एंड नेम लिस्ट का हमने ऐड कर रखा है, तो इसी तरीके से आप भी ऐड कर सकते हैं। तो क्या ऐड करेंगे आप ऐड करेंगे अपने क्लाइंट लिस्ट, अपने क्या बोलते हैं सिटी लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट, ऐसा लिस्ट जिसको बार बार आपको टाइप करना होता है या बार बार उसको आपको किसी सीट पे लिखना होता है, तो उसको आपको कहीं से कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैनुअली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसका एक बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कस्टम लिस्ट इंपॉर्टेंट है। कस्टम लिस्ट के बाद अगला टॉपिक है हमारा कॉपी एंड पेस्ट का, लेकिन अगला टॉपिक करने से पहले आप लोगों को अभी तक जो चीजें पढ़ाई है उसमें कोई चीज को रिपीट करना है तो बोल सकते हैं आप लोग। नहीं। किसी को डाउट है? नहीं अभी तक नहीं है सर। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो है कॉपी पेस्ट, मतलब कि क्लिपबोर्ड का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कॉपी पेस्ट में क्यों पड़े, क्योंकि कॉपी पेस्ट तो हम दिन में 10 बार करते हैं, लेकिन इसमें कुछ चीजें हैं
जो कि आपको जानना चाहिए, मुझे यहां तक मुझे आइडिया है कि आपको नहीं पता होगा, तो चलिए उसी के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो नॉर्मली जो है आप कॉपी पेस्ट करते हैं, तो हेलो जैसा हम बोलिए। हेलो। हाँ एक सेकंड सुधीर जी, यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया है इंटरनेट। वजमा नहीं करा, नहीं तो यार अगर इस नेट की प्रॉब्लम है तो आप लोग अपने अपने सेलफोन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। गो टू मीटिंग ऐप हाँ डाउनलोड हाँ कर मैं बोल फोन से ज्वाइन कर लीजिए। मीटिंग रहा हूँ। यस 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 एक मिनट। आईडी जो सामने दिख रहा है वो डाल दीजिएगा। तो कॉपी एंड पेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो कॉपी एंड पेस्ट में क्या होता है कि जनरली जैसा तैसा कॉपी करते हैं, लेकिन जो हम पेस्ट स्पेशल करते हैं वो थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पेस्ट स्पेशल में ज्यादातर आप लोग पेस्ट एज ए वैल्यू का इस्तेमाल करते होंगे, पेस्ट एज ए वैल्यू का मोस्टली लोग यही इस्तेमाल करते हैं, और मैं भी अपने ऑफिस लाइफ में ही इस्तेमाल करता था। लेकिन पेस्ट एज ए वैल्यू आप करते हैं तो अगर आपके डेटा में अगर डेट हुआ या टाइम हुआ या फिर नंबर की कोई फॉर्मेटिंग लगा रखे हैं आपने, जैसे डेट है, अगर आपने इसको कॉपी किया, मान लीजिए कि पेस्ट वैल्यू क्यों करते हैं, ताकि इसके अंदर लगे फॉर्मूलेज या कोई फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाए, ताकि हम अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर सकें किसी लोकेशंस पे, किसी अदर लोकेशंस पे हम इसलिए करते हैं। तो अगर आपने डेट को कॉपी करके अगर आपने पेस्ट किया, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू यहां से हो जाता है, तो ये नंबर आता है। अब इस नंबर के बारे में एक बार इसकी थ्योरी जान लीजिए, ये नंबर क्या है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक कोड है, एक कोड नहीं है, बेसिकली ये नंबर ऑफ डेज है, जब से कंप्यूटर का कैलेंडर स्टार्ट हुआ है तब से, और जो डेट आपने डाला है तब तक का। कंप्यूटर का जो क्या करता है, जब हम डेट डालते हैं तो दिखता डेट है, जैसे 7 जनवरी दिख तो रहा है डेट, लेकिन एक्चुअली में ये स्टोर जो हुआ है मेमोरी में वो 43107 हुआ है। तो 43107 क्या है, ये है 1 जन 1900 से 7 जनवरी तक का नंबर ऑफ डेज। अब इसको किसी ने बोल दिया आपको कि प्रूफ करो, हम कैसे मान लें। तो प्रूफ करने का सिंपल तरीका है कि आप अपने कर्सर किसी एक सेल पे सिर्फ वन लिखें, एंड वन लिखने के बाद इसके ऊपर आप जो है कोई भी नंबर, कोई भी अपना एक डेट फॉर्मेट अप्लाई कर दे ऊपर से, तो कुछ इस तरह का दिखेगा। 1 1 1900 मतलब एक दिन, मतलब 1 1 1900 मतलब कि कंप्यूटर कैलेंडर की स्टार्टिंग डेट यही है। इससे मतलब एक और मतलब होता है कि अगर आपने इससे पहले की डेट डायरेक्ट में लिख दिया 10 जन 1895, तो ये आपको सिस्टम ने एज ए डेट नहीं लिया है, सिस्टम ने क्या लिया है, सिस्टम ने लिया है एज ए टेक्स्ट, मतलब इसके ऊपर किसी भी तरह की कैलकुलेशन नहीं हो पाएगी। तो कंप्यूटर के अंदर में 1 जन 1900 से पहले की डेट एज ए डेट फॉर्मेट में एंट्री नहीं होगी, वो एज ए टेक्स्ट जाएगा। तो टेक्स्ट डालने से क्या क्या प्रॉब्लम होता है कि उस पे कैलकुलेशन नहीं होता है, जैसे डिफरेंस निकालना चाहते हो दो डेटों के बीच में, या कोई डेट ऐड करके डेट चाहिए, उस तरह की चीजें नहीं हो पाती है। तो अब यहां पे मैं मान लीजिए कि 368 डाला, तो देखिए ईयर चेंज हो गया। उसी तरीके से इसमें मैं 43107 डाला तो ये आपका डेट बन गया 7 जन 2018। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि इससे हमारी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए समझिए। देखिए एक्सेल में क्या है कि अगर आप कोई नंबर के साथ अगर कोई भी अल्फाबेटिक या स्पेशल कैरेक्टर डाल देते हैं तो उस पे आप कोई किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करें, क्योंकि वो टेक्स्ट होता है। तो उसी तरीके से अगर यहां डेट लिखा हुआ है 4 जैन
तो टेक्स्ट हो जाएगा जैसा वैसा अगर स्टोर हुआ तो हम इस पे कोई भी नंबर, मान लो मुझे 10 दिन ऐड करने हैं तो 10 दिन ऐड नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऐड हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये दिख रहा है 14 जनवरी और ये दिख रहा है 24 जनवरी, लेकिन एक्चुअल में ये सिस्टम के पीछे जो स्टोर है वो 43114 है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो आपका 43124 है। बेसिकली वो डेट का जो हम फॉर्मेट यहां से जो हम डेट का फॉर्मेट लगाते हैं, तो वो डेट का फॉर्मेट क्या करता है कि वो इस नंबर को इस तरह से करता है कि 30 दिन, 30 से 31 दिन बाद मंथ चेंज करता है, 365 दिन बाद ईयर चेंज कर देता है, इस तरह से डेट के फॉर्मेट में डाल देता है। लेकिन जब हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके करते हैं पेस्ट एज ए, पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए वैल्यू करते हैं, तो इसका काम है रिमूव ऑल फॉर्मेट्स। तो फॉर्मेट में हमारा डेट एंड टाइम का ही फॉर्मेट है, लेकिन आपके डेटा में ऐसा नहीं करना चाहते कि आपका डेट एंड टाइम का फॉर्मेट डिलीट हो, डेट एंड टाइम के फॉर्मेट जैसा है वैसा ही रखना चाहते हो, तो आपके पास यहां फॉर्मूला एंड सॉरी नंबर एंड फॉर्मेट होता है, नंबर एंड वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेट, इसका इस्तेमाल करें। तो आप लोग हमेशा याद रखें कि वैल्यू के जगह पे वैल्यू एज ए नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपकी बाकी कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, आएगा तो सिर्फ आपका नंबर की फॉर्मेटिंग, जैसे कि डेट की फॉर्मेटिंग, टाइम की फॉर्मेटिंग, या कोई सिंबल से डॉलर रुपीज इस तरह का जो सिंबल लगा रखा है उसके उस तरह के सिंबल की फॉर्मेटिंग आएगी। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं इसमें। यस अगला टॉपिक इसमें आता है, वो आता है अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है ऑपरेशंस, जिसका इस्तेमाल मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने किया है। ऑपरेशंस, ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने 20 लिखा और 30 लिखते हैं, जनरली अगर मैं 30 को कॉपी करूं कंट्रोल सी एंड 20 पे कंट्रोल वी कर दूं, तो 30 20 को रिप्लेस कर देता है, मैं 20 की जगह पे आपका 30 आ जाता है। लेकिन अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं, पेस्ट स्पेशल करूं, और पेस्ट स्पेशल में यहां आपके पास ऑपरेशंस के अंदर में आता है, जैसे कि ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, ऐसे चीज सिलेक्ट करोगे तो फिर जैसे मैं ऐड कर देता हूं, तो जहां से कॉपी होगा और जहां पे पेस्ट होगा उन दोनों के बीच में एडिशन कर देगा, या सब्ट्रैक्ट कर देगा, या मल्टीप्लाई कर देगा, या डिवाइड कर देगा, जो आप सिलेक्ट करेंगे। तो ऐड वो सिलेक्ट करके जैसे ओके किया तो इसने 50 कर दिया। अब इसका बेनिफिट क्या है, तो इसका एक एग्जाम्पल हम आपको बता सकते हैं। एक एग्जाम्पल ये है कि उससे पहले आपको सीखना पड़ेगा कि एक्सेल में हम परसेंटेज कैसे लिखते हैं। जैसे आपको 20% लिखना है तो 20 और फिर परसेंट का सिंबल जो होता है उसको टाइप कर दे, एंटर मारे तो 20% होगा। अब किसी कैलकुलेशन करने के मुझे 500 का 20% निकालना है तो सिंपल 500 मल्टीप्लाई बाई 20% और कुछ नहीं करना है। नॉर्मल एक्सेल में, नॉर्मल आपकी मैथमेटिक्स में तो आपको डिवाइड बाई 100 करना होता है, लेकिन यहां डिवाइड बाई 100 करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर इसको मैं जनरल फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं, ये जो जनरल फॉर्मेट होता है, तो ये देखेंगे 0.20 ऑलरेडी होता है, ऑलरेडी डिवाइड बाई 100 ही स्टोर होता है। ठीक है, और किसी के परसेंटेज निकालना हो कि भाई 500 है और 100 आया तो कितना परसेंट आया, तो आप कर सकते हैं 100 डिवाइड बाई 500, फिर आपके इस तरह का डेसिमल्स आएगा तो आप परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। लेकिन होता क्या है कि अगर परसेंटेज टाइप कर रहे हैं, अगर आपने 20 लिख दिया, 20 लिखने के बाद इसके ऊपर जाके अगर परसेंटेज का फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो फिर वो 2000% हो जाएगा, क्योंकि एक्सेल में अगर आप 1 लिखते हैं इट मीन्स 100%, इसका मतलब हुआ 100%।
तो आप क्या करें कि इसको, अब आप मान लीजिए आपको 20% लिखना है, तो 0.20 लिखेंगे और फिर उसके ऊपर परसेंटेज का सिंबल देंगे तो परसेंटेज बनेगा। तो एक प्रॉब्लम था कि जब मैं ऑफिस में था तो हमारे एक कलीग थे, मुझे एक कुछ परसेंटेज भेजते थे, कुछ डेटा भेजते थे, तो क्या करते थे, ऊपर में परसेंटेज का सैंपल देते थे, मतलब कि हेडिंग के लिए, और नीचे अपना परसेंटेज मुझे दे देते थे। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसके अंदर जाके परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करना होता था, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता था। तो अब मैं अगर इस पे डबल क्लिक करूंगा, सब पे जाके परसेंटेज लगाऊं, तो टाइम काफी कंफ्यूजन हो जाएगा, काफी टाइम कंज्यूम होगा इसमें। तो उस केस में हम क्या करते थे कि किसी अनोदर सेल पे 100 लिखते थे, और फिर इस 100 को कॉपी करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 0.48। जब परसेंटेज का सिंबल देंगे तो हो जाएगा 48%। तो इसको पूरे को हम सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक, और करते हैं पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम कर देते हैं डिवाइड। तो डिवाइड करते हैं, आपका ये परसेंटेज आता है, फिर परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करते हैं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं, सर हमारा जो रिजल्ट आता है वो फॉर्मूले से आता है, तो कैसे करें? तो उसमें तो सिंपल है कि 100 कर देते डिवाइड मल्टी डिवाइड बाई, जैसे कि एग्जांपल कि ए रैन बिटवीन के फॉर्मूले से रिजल्ट आया हुआ। रैन बिटवीन फॉर्मूला रैंडम नंबर देने के लिए यूज होता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि रैन बिटवीन से मेरा ये आया हुआ है। अब मैं यहां पे 100 लिखा, अब मुझे इस रैन बिटवीन फॉर्मूले को वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है, पेस्ट स्पेशल एज ए वैल्यू करके इस फॉर्मूले को रिमूव नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, और यहां जाएंगे पेस्ट स्पेशल, और इसमें हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते देखिएगा कि फॉर्मूले को ब्रैकेट में लेके डिवाइड बाय 100 कर देगा, देखिए। तो इसका एक बेनिफिट होता है, तो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब पेस्ट स्पेशल में एक तो एक चीज हुआ, दूसरा एक और चीज है, चलिए उस पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। दूसरा यहां पे है कि मान लीजिए कि मैंने यहां पे कुछ सेल्स के फिगर रखे हुए हैं, सेल्स के फिगर रखे हुए हैं यहां पे। अब इन सेल फिगर के सामने हमने बोला किसी को चेक करने के लिए कि सारे फिगर सही है या नहीं है, तो जो चेक करने वाला बंदा था उसने क्या किया कि इसके सामने उसका करेक्ट अमाउंट डाल दिया, बोला कि ये 55 है इस तरह से। तो मैंने हजारों में से दिया तो उसने सैकड़ों इस तरह से लिख के दे दिया। अब मुझे इसको अपडेट करना है, तो जनरली हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर दो, 3 घंटा ये लगा पड़ेगा। अब इसको कॉपी करके एक एक करके यहां पे हम इसको पेस्ट करेंगे, तो काफी टाइम कंज्यूम होगा। तो ऑटोमेशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल एंड पेस्ट में स्किप ब्लैंक का इस्तेमाल करेंगे। स्किप ब्लैंक का इस्तेमाल से क्या होगा कि स्किप ब्लैंक क्या करता है कि अगर आपने एक एरिया को कॉपी किया है तो पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करेगा, वो उसी सेल को कॉपी पेस्ट करेगा जिस सेल पे वैल्यू होगा, जो सेल ब्लैंक होगा खाली होगा उसको पेस्ट नहीं करेगा। तो देखिए 20 को पेस्ट नहीं किया, 55 को पेस्ट नहीं किया, 60 को पेस्ट नहीं किया, 12 को पेस्ट नहीं किया, पेस्ट किया बाकी सबको पेस्ट नहीं किया, वरना अगर नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये पूरा जैसा वैसा आ जाता, आपकी प्रीवियस डेटा को ब्लैंक, जो नॉन ब्लैंक के सामने देता था, सॉरी तो ब्लैंक के सामने देता था उसको रिप्लेस कर देता, इसलिए। अब बात करते हैं लिंक के बारे में।
जैसे कि हम चाहते हैं कि मैंने यहाँ पे कोई चीज यहाँ पे टाइप किया हुआ है और मैं चाहता हूं कि जो वैल्यू जो चीज यहाँ टाइप की गई है वही सेम चीज मुझे अनोदर लोकेशन या अनोदर शीट या अनोदर फाइल में आना चाहिए। तो जने लोग क्या करते हैं कि इक्वल लगाते हैं और सिलेक्ट करके एंटर मार देते हैं, तो ये लिंक हो जाता है और फिर बाकी को लिंक करने के लिए ड्रैग कर देते हैं। तो इसका फायदा होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई चीज चेंज करूं एंटर मारो तो एंटर मारते ये भी आपका चेंज हो जाता है, बस एंटर मारते। इसको बोलते हैं सेल लिंक। लिंक करने का तरीका सबसे आसान है। एक तरीका है कि आप यहाँ पे इक्वल प्रेस करें और सिलेक्ट कर लें, और ये फॉर्मूला से लिंक है E4, इसलिए जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो इंक्रीज होगा फॉर्मूला, E4 E5 E6 बनेगा और आपका लिंक चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें कभी कभी दिक्कत होती है, जैसे कि मुझे अगर लिंक करना है तो मुझे कुछ एरिया को लिंक करना है, तो उस पर्टिकुलर एरिया को कॉपी कर लें और कॉपी करके आप राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए लिंक यहां दिख रहा होगा इस्तेमाल करें, तो आपका लिंक होगा। तो पेस्ट एज ए लिंक के बाद अगला टॉपिक जो आता है हमारा आता है पिक्चर। कभी कभी क्या होता है कि इस बड़े से डेटा को मुझे एक छोटे से एरिया में दिखाना होता है, तो अगर मैं इसको कॉलम की हाइट को छोटा करूंगा तो क्या होगा कि ये चलो ये छोटा डेटा है लेकिन नीचे हो सकता है कोई बड़ा हो तो भी छोटा हो जाएगा, कि कॉलम जो छोटा होगा तो पूरा छोटा होगा ना नीचे से ऊपर तक, इसलिए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पेस्ट एज ए पिक्चर इस तरह से। फिर पिक्चर करने के बाद क्या होता है, पिक्चर बन जाता है। अब इसको अपने हिसाब से जैसा छोटा करना चाहो छोटा कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो कहीं भी उठा के, लेकिन ये पिक्चर है इसलिए इससे लिंक नहीं है। आप चाहते हो इससे लिंक हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक इसी के बगल में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक का इस्तेमाल करने का फायदा क्या होता है कि आपका ये यहां से देखिए लिंक हो जाता, अगर मैं यहां पे कुछ चेंज करूंगा तो एंटर मारते चेंज हो जाएगा, अगर मैं कोई फॉर्मेटिंग करता हूं कलर कलर करता हूं तो वो भी अपने आप को चेंज करेगा। अब इसका एक बेनिफिट भी हम लोग लेते हैं। चलिए एक शीट पे एक इसका एक एक एग्जांपल बताते हैं, एक अच्छा सा एग्जांपल ध्यान से देखिएगा आप लोग। जैसे मेरे पास दो तरह का डेटा है, एक मंथ वाइज है एक हमारा सेल्स ऑफिसर वाइज है। दो मिनट दीजिए मैं डेटा तैयार कर लेता हूं। दो अलग अलग डेटा हमारा बन गया, दोनों तो को मैं अलग अलग फॉर्मेट कर देता हूं। और अच्छा दिखाने के लिए आप इसमें अपना इसका चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। और सेम इसका भी कर लेते हैं। अब इसकी कलर जो है हम ग्रीन कर देते हैं, अलग कर देते हैं थोड़ा सा रिपोर्ट ताकि इसके कर देते। अब मैं क्या करता हूं अगली शीट पे, मतलब शीट 5 पे
मैं यहाँ पे टाइप देता हूँ और मैं डेटा वैलिडेशन में जाता हूँ, और डेटा वैलिडेशन में लिस्ट पे आके एक ड्रॉप डाउन बनाना होता है, लिस्ट पे आके मैंने यहाँ लिख दिया एसओ और कॉमा मंथ, दो चीज डाल दी। अब मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहां पे आऊं, अब ड्रॉप डाउन बनकर आ गया, मैं एसओ लिखूं, तो मुझे यहां पे सीट फाइव से सेल्स ऑफिसर का जो पूरा रिपोर्ट हो ए शो होना चाहिए। अगर मैं ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट किया मंथ, तो मुझे मंथ वाला रिपोर्ट आना चाहिए। तो कैसे करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए देखता हूं, ध्यान से आप लोग देखिएगा इसका तरीका है। पहला पहला काम यह है कि इसको रिनेम करना। उससे पहले मैं जाता हूं लेआउट में, ग्रीन लाइन हटा देता हूं ताकि पीछे की लाइनिंग ना है, इसको सेलेक्ट करता हूं और इसको यहां डिफाइन नेम में जाता हूं। डिफाइन नेम क्या करता है, जैसे यहां पे कर्सर मैंने रखा, इस कर्सर को अभी L1 मतलब कि L:N1 रो के नाम से जानता है, लेकिन अगर डिफाइन नेम में जाके मैं इसको एक नेम दे दिया, जैसे मैंने इसका नाम दे दिया C, तो इसको आप अब L1 के नाम से नहीं C के नाम से जाना जाएगा। L1 के नाम से भी तो जाना जाएगा, लेकिन C के नाम से भी जाना जा सकता है। तो उसी तरीके से मैंने इसका एरिया क्या है, A1 से लेके H7। अभी कंप्यूटर क्या मान रहा है, समझ रहा है A1 से लेके H7, लेकिन मैंने फॉर्मूला मेनू बार में गया, डिफाइन नेम पे गया और इसका नाम डाल दिया मंथ। मंथ सॉरी मंथ नाम ऑलरेडी एग्जिट है, माफ कीजिए, मतलब पहले से डिफाइन की गई है, मुझे एक बार इसको डिलीट करना पड़ेगा। अब न्यू पे जाते हैं, अब मंथ लेके ओके करते हैं, मंथ आ गया। अब कंप्यूटर इसको देखिए मंथ के नाम से जानेगा। उसी तरीके से मैं सेम इसको भी नाम दे, इस नीचे वाले का भी कर लेता हूं, सिलेक्ट कर लेता हूं, और नीचे वाले को सिलेक्ट करने के बाद इसका नाम डिफाइन नेम में मैं डाल देता हूं एसओ। तो एसओ हो गया। तो पहला काम क्या है कि आप पहले दोनों एरिया, दो हो या दो से ज्यादा, जरूरी कि दो ही हो, ज्यादा भी हो सकता है, तो यहां पे तो पहला स्टेप है दोनों को नाम डिफाइन करना। उसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, किसी एक को सिलेक्ट करके कॉपी करके जहां शो करना चाहते हो वहां पे जाइए और उसको यहां पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर दीजिए। पिक्चर लिंक हो गया, तो हर एक पिक्चर उसके फॉर्मूले से लिंक होता है। देखिए ये फॉर्मूले से लिंक हुआ है, तो अगर मैं इसका फॉर्मूला डिलीट कर दूं, इसका नाम इसके जगह पे मैं मंथ दूं, तो आप देखेंगे कि ये मंथ का दिख रहा है। अगर मैं इस मंथ को डिलीट कर दूं और इसको दूं एसओ, तो ये एसओ के नाम से एसओ का रिपोर्ट आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मुझे इसको चेंज करने के लिए, मान लो अभी सेल्स में है, अब मुझे मंथ वाइज देखने के लिए मुझे इस पे क्लिक करना पड़ेगा और फॉर्मूला बार में जाके एसओ को डिलीट करके मुझे इसके जगह पे मंथ लिखना पड़ेगा, तब जाके मंथ का रिपोर्ट आएगा। मैं चाहता हूं नहीं यहां से हो कि मैं इस पे चेंज करके ड्रॉप डाउन यूज करूं, क्योंकि ये ज्यादा बेनिफिशियल है। तो कैसे करें, क्योंकि ये जो मंथ आपको दिख रहा है ये एक तरह का सेल है, ये है टेक्स्ट है, एबीसीडी है, मतलब कि अगर मैं सम लगाऊं और सम में मैं अगर मैनुअली मंथ देता हूं, तो मैनुअली मंथ देता हूं तो मुझे इसका सम आ जाएगा, मतलब कि मन दिया तो ये सीट के इस डेटा को सम कर दे रहा है, क्योंकि
क्योंकि हमने फॉर्मूला में दिया। लेकिन अगर मैं इसी को सम करूं और सम में इसको दूं, तो ये मंथ जो है ए सीट फाइव वाला रेफरेंस मंथ नहीं लेगा, ए मंथ एबीसीडी मंथ मंथ एक तरह का नाम ले लेगा, इस सेल की वैल्यू ले लेगा। तो मुझे चीज सम फॉर्मूले को समझाना पड़ेगा कि भाई ये जो बी थ्री जो आपने लिया है, ये जो इस पे जो मंथ वैल्यू दिया हुआ है, वो एक टेस्ट नहीं है, वो एक सेल एड्रेस है जो कि सीट फाइव में है। तो इस चीज को समझाने के लिए हमारे पास इनडायरेक्ट का फॉर्मूला होता है। तो इनडायरेक्ट का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और एंटर मारेंगे। तो देखिए आप समझिए कैसे समझा, इसके लिए आप फॉर्मूला एवलेट करके देखिए, पता चलेगा कि इनडायरेक्ट को क्या मिला, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में सेल। तो इनडायरेक्ट ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया रेफरेंस में, देखिए सीट फाइव ए वन से सी एच सेवन। तो प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए कि मैं यहां पे इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाऊं और इनडायरेक्ट के अंदर में मैं इसको सेलेक्ट करूं, तो हमारा काम बन सकता है। लेकिन नहीं, क्योंकि एक्सेल का रूल कहता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के लिंक में आप सेल का रेफरेंस या नेम दे सकते हैं, सेल का नेम दे सकते हैं, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं दे सकते। देखिए एंटर मारते हैं, देखिए आपको बताएगा। तो सेल का रेफरेंस दे सकते हैं और सेल के रेफरेंस में हम एक सेल के रेफरेंस में हम फॉर्मूला दे सकते हैं, डिफाइन नेम करते समय यहां पे हम फॉर्मूला डाल सकते हैं। तो यहां पे मान लीजिए मैं एक एसएच नाम का बना देता हूं नेम, और इसके अंदर में जो हम यहां पिक्चर में जो फॉर्मूला डालना चाह रहे थे इनडायरेक्ट का, वो यहां ना डाल के हम यहां डालेंगे इनडायरेक्ट, और इसके अंदर हम इसको ले लेते हैं एंड ओके कर दिया। तो कहने मतलब एस एच हुआ जो हमारा एस एच है, एस एच क्या है कि इसको रेफर कर रहा है, देखा ना। तो अब मैं यहां पे जो मंथ है हमारा, जो सेल्स है, जहां पे मंथ और हम एसओ लिखते थे, उसके जगह पे हम एस एच कर देंगे, क्योंकि एस एच जो है वो लिंक किससे है, इस मंथ से है। एंटर मार दिया, मंथ वाइज सेल आया। अब देखिए आपका ऑटोमेट हो गया कि मैं एसओ डालूंगा तो एसओ वाइज चला जाएगा, अगर मैं मंथ डालूंगा तो मंथ वाइज आ जाएगा। तो कोई डाउट है आप लोगों को? अब क्लिपबोर्ड का लास्ट टॉपिक, क्लिपबोर्ड का लास्ट टॉपिक यह है कि मान लीजिए कि मेरे पास तीन चार सीटों में डेटा है। आप डेटा कुलेशन तो करते ही होंगे। तो मेरे पास तीन या तीन से ज्यादा सीट में डेटा है, जैसे मैं मंथ वाइज ही कर देता हूं, मंथ और यहां पे सेल। ये बहुत अच्छा चीज है, क्योंकि आप लोग इस पे आप लोग इसका इस्तेमाल हमेशा करते होंगे। तो और मैं इसको कॉपी करता हूं और बाकी तीन तीनों सीट में पेस्ट कर देता हूं। अब एक चीज और ध्यान दीजिए यहां पे कि मुझे तीन सीट है, अब तीनों शीट पे डेटा है, तीनों को मुझे कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करना है। तो एक साथ करें, क्योंकि एक एक करके करें दिक्कत होगा। तो आप क्या करें, कंट्रोल या शिफ्ट दबा के तीनों पे क्लिक कर लें, फिर कॉपी कीजिए और फिर इसको पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यू करेंगे तो सबका फॉर्मूला रिमूव हो जाएगा एक ही बार में। अब बात आती है कि मुझे इन तीनों को यहां चौथे जो दसवां शीट है, डेटा शीट है, उसमें मुझे एक के नीचे पेस्ट करना है। तो जनरली आप लोग क्या करते हैं, आप कॉपी करते हैं, यहां पे जाते हैं पेस्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं यहां पे जाते हैं पेस्ट करते हैं।
एक एक करके 3 या 30 या ज्यादा है तो आपको एक एक करके करना पड़ता है। तो एक एक करके करने से जो करते हैं आप, तो उसको आपका काम जो है मैं आधा कर सकता हूं। मतलब आप क्या करते हैं कि कॉपी करते हैं, फिर डेटा में जाएंगे आप पेस्ट करेंगे, फिर अगले शीट पे जाएंगे कॉपी करेंगे, फिर डेटा पे जाएंगे उसके नीचे जाएंगे फिर पेस्ट करेंगे, फिर अगले कॉपी पे जाएंगे कॉपी करेंगे फिर सबसे नीचे आएंगे फिर पेस्ट करेंगे। तो इतना आप करते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप क्या करें कि कॉपी करने से पहले, जब कॉपी स्टार्ट करें उससे पहले होम मेनू में आपके पास क्लिप बोर्ड होता है, इस क्लिप बोर्ड को स्टार्ट कर लें, फिर इसको सेलेक्ट करें कॉपी। अब आपको सिर्फ कॉपी करना है, कॉपी ओनली फॉर कॉपी करना है। तो कॉपी कर लिया आपने, और उसके बाद देखिए कि यहां पे जैसे जैसे आप कॉपी करेंगे यहां नीचे एक इसमें क्लिप बोर्ड में ऐड होते जाएगा, एक बार में 24 को ऐड कर सकता है, उसके बाद क्लियर करना पड़ेगा आपको। फिर डेटा में जाए सेलेक्ट करें और यहां पे लिखे पेस्ट ऑल, आपका एक ही बार में पेस्ट हो जाएगा। और सिर्फ एक्सेल टू एक्सेल ही नहीं, किसी और एप्लीकेशन से इंटरनेट वगैरह पीडीएफ वगैरह से भी करते हो तो वहां भी ये बेनिफिट होगा। 24 उसके बाद क्लियर करो, फिर नई कॉपी करना स्टार्ट कर दो, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो क्लिप बोर्ड के सेक्शन से हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग, क्योंकि बाकी फॉर्मेटिंग तो आपको आता होगा। नंबर फॉर्मेटिंग में हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हम कोई भी नंबर लिखते हैं उसकी फॉर्मेटिंग नंबर फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो नंबर फॉर्मेटिंग में अगला फॉर्मेटिंग जो आता है कस्टम फॉर्मेटिंग का आता है। तो जनरल जनरल होता है, नंबर में नंबर डाल दे, डेसिमल्स हो गया, नेगेटिव हो गया, थाउजेंड सेपरेटर हो गया, करेंसी में आप अपना करेंसी दे सकते हैं, करेंसी का सिंबल दे सकते हैं। तो आपके पास विंडो अगर अपडेटेड है, जैसे विंडो आप 8 है आपके पास या 10 है, तो आपके पास रुपीज का सिंबल आएगा, क्योंकि नहीं तो आरएस का सिंबल आएगा। फिर अकाउंटिंग है, डेट में डेट का फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं, यहाँ पे डेट के अलग अलग कंट्री की भी फॉर्मेट है वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट में सेम है, लेकिन टाइम में एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए कि मैंने 57 घंटे 20 मिनट का टाइम मैंने डाल रखा है और गलती से ये जर्नल में हो गया है, तो इसको वापस टाइम फॉर्मेट में करने के लिए आपको यहाँ टाइम में जाके सबसे लास्ट में आप आएंगे 37:30:55 मिलेगा। अब नहीं मिल रहा है क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंट्री में इंडिया सेलेक्ट, तो इंडिया के जगह पे आपको यूएस सेलेक्ट करना पड़ेगा नीचे। अब यहां देखिए 37:30:55 37:30:55, इसको सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए, यहां पे दिख जाएगा। उसी तरह से नॉर्मल सारे फॉर्मेट है, लेकिन कस्टम फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए क्या है देखते हैं। कस्टम फॉर्मेटिंग में जैसे कि मैंने यहां पे चेक नंबर डाला, चेक नंबर डाला। अब क्या है मुझे इसमें कि जो चेक नंबर हमने डाला है, अब इसमें हम चेक नंबर कोई भी टाइप करते हैं तो जीरो एक्सेप्ट नहीं करता, जीरो हटा देता है। मैं चाहता हूं जीरो के साथ ले, तो जनरली हम क्या करते हैं सिंगल कोट लगा देते हैं, सिंगल कोट 00 इस तरह से, तो सिंगल कोड एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो टेक्स्ट बन जाता है। लेकिन दिक्कत कब होती है कि अगर आपको किसी ने चेक नंबर दिया और उसमें उसने सिंगल कोड नहीं लगाया हुआ तो दिक्कत होता है। अब मुझे इस पे जीरो मेंटेन करना है, तो इसका दो पर्पस है। अगर आप जस्ट देखने के पर्पस से चाहते हैं, व्यूइंग पर्पस या प्रिंटिंग पर्पस से, तो इसको आप सिलेक्ट करें, कस्टम में जाए और यहां एक दो तीन चार पांच छ छह जीरो हमने यहां पे दे दिया तो जीरो मेंटेन हो गया। लेकिन जस्ट विजुअल है, ओरिजिनल नहीं है ओरिजिनल, क्योंकि अगर आपने कहीं किसी पर्टिकुलर सेल पे सिंगल कोड में यहाँ पे 00852 हमने यहाँ डाल दिया तो दोनों आपस में मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ए
ट्रिपल या सिर्फ 852 है, बट ये 000852 है। तो आप चाहते हैं कि नहीं, कस्टम फॉर्मेटिंग में अप्लाई करना है लेकिन ओरिजिनल है, तो उस केस में हम यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला लगाते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 ये डाल देते हैं, तो फिर अब जो आएगा वो ओरिजिनल होगा। मैच कर लीजिए, ट्रू आएगा रिजल्ट। उसी तरीके से मान लीजिए आप मोबाइल नंबर लिख रहे हैं, तो मोबाइल नंबर में आप चाहते हैं कि +91 लगा हुआ आ जाए, तो आप नंबर फॉर्मेटिंग में कस्टम में जाएं और यहां पे +91 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम जीरो डाल दिया। अब यहां पे 8802579388 अपना नंबर लिखा, एंटर मारा, देखिए +91 ऑटोमेटिक लग के आ गया। लेकिन दिक्कत इसमें है कि अगर मैं सिर्फ 552 कर दूं तो देखिए जीरो लगा देगा, क्योंकि डिजिट मेंटेन करता है। लेकिन मुझे यहां पे ऐसा होने से दिक्कत होगा कि डिजिट मेंटेन जब हो जाएगा तो दिक्कत ये होगा कि मुझे पता नहीं चलेगा कौन सा सही नंबर है कौन सा गलत नंबर है। तो उस केस में मैं यहां पे जीरो की जगह पे हैश रखूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 टाइम हैश दिया। तो 10 टाइम हैश देने से क्या हुआ कि आ गया। अब हैश और जीरो का पंगा क्या है ये चीज समझेंगे अभी 2 मिनट में। उससे पहले अकाउंट नंबर आप लिख लीजिए, किसी का अकाउंट नंबर लिखते हैं तो अकाउंट नंबर अगर आपने 10 12 डिजिट तक लिखा तो दिख जाएगा, लेकिन अगर आपने अकाउंट नंबर जो है 12 डिजिट से ज्यादा लिखा तो साइंटिफिक फॉर्मेट में हो जाए। तो उसको वापस नॉर्मल करने के लिए आप कस्टम में जाए और जस्ट एक हैश यहां पे डाल दो, ओनली फॉर वन हैश। तो वन हैश जैसे हमने यहां पे डाला तो वन हैश डालते ही दिख गया, लेकिन ये भी दिखेगा सिर्फ 15 डिजिट तक का। 15 डिजिट से ज्यादा डालोगे तो फिर वो जैसे मैंने यहां पे 2 है, मैंने यहां पे मान लीजिए कि 7 डाल दिया, एंटर मारा तो 7 देखिए 0 बन गया, क्यों? क्योंकि ये 15 डिजिट से ज्यादा है, ठीक है? क्योंकि 15 डिजिट से ज्यादा टाइप करना है तो आप सिंगल कोड लगा के फिर टाइप कीजिए तब ये एक्सेप्ट करेगा। तो 15 डिजिट से ज्यादा होगा तो एक्सेप्ट करना होगा। अब बात करते हैं कि जीरो और हैश का क्या पंगा है। जैसे कि मैंने यहां पे कोई नंबर डाला, अब मुझे इस नंबर के आगे इसकी एमआरपी या अमाउंट ऐसा कुछ डालना है, मुझे डालना है एमआरपी। एमआरपी डाल दिया तो ये अभी टेक्स्ट बन गया, अब इसमें कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन मुझे दिखाना इस तरह से है बट इसमें कैलकुलेशन भी करना है। तो उस केस में हम कस्टम फॉर्मेट इस्तेमाल करते हैं कि आपको लिखा हुआ कुछ और होना चाहिए और आप विजुअल कुछ और करते हैं। तो हम यहां कस्टम पे आते हैं, तो यहां पे अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी डाल दिया, इन्वर्टेड कॉमा में एमआरपी डाल दिया और एंटर मारा तो सिर्फ एमआरपी दिखेगा, आपका जो नंबर टाइप किया हुआ है सेल के अंदर में वो नहीं दिखेगा। तो उस केस में क्या करेंगे, इसके सामने हैश देंगे तो आपको नंबर दिख जाएगा। यहां पे जीरो देने से क्या होगा, जीरो देने से भी, दो बार जीरो दे दिया तो जीरो देने से भी आएगा, लेकिन जीरो क्या करेगा, अगर 3 लिखा तो जे ए आपका 03 कर देगा, 03 कर देगा, बट हैश ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो हैश और जीरो में यही फर्क होता है, ठीक है? तो अब चलिए कुछ और बेनिफिट लेते हैं इसका। अब इसका बेनिफिट ये है, जैसे मान लीजिए मैं किसी की अटेंडेंस बना रहा हूं, एम्प्लॉय कोड नेम, अभी क्या होगा कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस जैसे कि मतलब कि आपके सिस्टम में जो एक्सेस कार्ड पंच हुआ है उसका डेटा या फिर बायोमेट्रिक स्कैन जो होता है उसका डेटा आपके पास आया हुआ है, उसके थ्रू आपको अटेंडेंस लगाना है। तो वहां का जो डेटा आपके पास मिला है वो कुछ नंबर्स मिला है कि कितना बार स्कैन किया गया है इसमें,
तो जीरो स्कैन मतलब कि उस दिन वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आया ही नहीं, और जीरो से ऊपर हुआ इसका मतलब वो आया है। अब मुझे इस डेटा को छेड़छाड़ नहीं करना है, बट बॉस को प्रिंट करके देना है। तो बॉस को अगर नंबर प्रिंट करके दूंगा या किसी को दूंगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि नंबर है क्या। तो मैं चाहता हूं कि जो तो जीरो है वो हमें शो हो अब्सेंट मतलब कि ए, और जो जीरो के अलावा नंबर्स है वो परसेंट जो शो हो प्रेजेंट करे पी। अब इसका बेनिफिट कैसे होगा, तो जैसे कि अगर अभी आपको मैंने दिखाया कि यहां पे नंबर, कि अगर कोई नंबर लिखा हुआ है यहां पे, मैं एक बार दिखाता हूं दोबारा कस्टम में, कि अगर मैं नंबर यहां लिखा हुआ है तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहां पे पीआर लिख दिया तो पीआर दिखेगा सिर्फ किसके आगे, इस 10 पॉजिटिव नंबर का आगे पीआर दिखेगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर डालूं तो फिर नेगेटिव पीआर, हाँ नेगेटिव पॉजिटिव नंबर का आगे पॉजिटिव नेगेटिव सबके सामने दिखेगा। लेकिन अगर नेगेटिव का आना चाहिए आपको तो इसी में आप सेमी कॉलन डाल के निगेटिव के लिए डाल दे कि भाई लॉस LOS। तो अभी जो होगा कि अगर मैंने माइनस में कोई नंबर लिखा तो उस पे LOS दिखेगा, नंबर नहीं दिखेगा। फिर यहां पे तो पहला होता है निगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव, तीसरा होता है जीरो। अगर मैंने जीरो पे डाल दिया नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। तो अगर इसके बीच में हमने कहीं जीरो डाला तो जीरो की जगह पे आपका वो शो करेगा। और इसके बाद आता है टेक्स्ट कि ABCD कोई नंबर डाला हुआ है तो उसके जगह पे मैंने बोला कि शो नो डेटा। तो अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हैश एन एरर या फिर कनेक्टिंग या लॉस या कुछ लिख दूं, कुछ ऐसा लिख दूं तो वो उसके जगह पे एनडी शो करेगा। तो ये तो हुआ कि आपके सेल में जो नंबर डेटा होते हैं कितने तरह का डेटा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो एंड टेक्स्ट, इसके जगह पे दे सकते हो। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं क्या इसके जगह पे हम ये भी दे सकते हैं, नंबर भी दे सकते हैं। जी हाँ दे सकते, मैं इसके जगह पे इसका नंबर दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको हैश या जीरो डालना पड़ेगा। जीरो डालोगे तो दिखेगा, नहीं डालोगे तो नहीं दिखेगा। तो सेम चीज मैं यहां पे करने वाला हूं, जो हमारा ये है इसमें है कि मुझे जीरो को अब्सेंट और जीरो को अब्सेंट एंड नंबर को प्रेजेंट करना है। तो कस्टम में मैं आऊंगा यहां पे और यहां पे मैं दूंगा पी। तो जो जो पॉजिटिव नंबर है उसको पी आ जाएगा, निगेटिव इसमें है नहीं तो निगेटिव की जगह पे मैं ब्लैंक शो कर देता हूं और पॉजिटिव इसमें जीरो की जगह पे ए कर देता हूं, ये आपका दिख जाता है। एंटर मारते हैं, ये देखिए जितने जीरो थे वो अब्सेंट हो गए और जितने पी थे वो प्रेजेंट हो गए। तो इस तरह के कोड हम यहां पे डाल सकते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग के अंदर में। तो कस्टम फॉर्मेटिंग में सिर्फ ए नहीं, अब डेट वगैरह की भी हो तो डेट वगैरह की चीजें भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई डेट डाला हुआ है तो डेट का एक अपना फॉर्मेट, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ सिंगल फॉर्मेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो आपके पास डेट में तो ऑलरेडी डेट है ही, चाइनीज सेलेक्ट हो गया, तो डेट ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे डेट है जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा अपना खुद का डेट बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है, से डी अगर लिखते हो ऊपर देखिएगा यहाँ पे सैंपल दिखेगा, अगर आप डी लिखते हो तो डे आएगा इन द नंबर फॉर्मेट में। अगर मैं 2 बार डी लिखता हूं तो ये 01 02 के फॉर्मेट पे आएगा, 3 बार डी लिखता हूं पे आपका संडे मंडे ट्यूसडे शॉर्ट में आएगा, 4 बार लिखता हूं तो ये आएगा आपको कंप्लीट मंथ नेम, या 4 से ज्यादा बार लिखो तो भी। उस जैसे महीना आपका एम लिखो तो 1 2 3, डबल एम करोगे तो 0 1 2 में आएगा, 3 बार लिखोगे तो जैन फेब आएगा,
और तीन से ज्यादा लिखोगे तो जनवरी, अगर 5 बार आपने लिख दिया तो सिर्फ फर्स्ट ने उसका लेटर आएगा, जे, जनवरी का जे, मार्च का एम, इस तरह से सिर्फ फर्स्ट लेटर आएगा, ऐसे आपका ईयर का। तो आप अपने हिसाब से जो करना चाहते हो, जैसे कि सैटरडे जिस तरह से फॉर्मेट चाहिए उस तरह से यहां पे आप बना सकते हो। अब फ्री ये बनाने के लिए कि डी डी एम एम वाई वाई को जिस तरह से लिखो, जिस उलट पलट जैसे लिख के लिखना चाहो लिख सकते हो। उसी तरह से टाइम होता है कि अगर टाइम की फॉर्मेटिंग की हम बात करें तो टाइम की फॉर्मेटिंग में एक तो ऑलरेडी टाइम आपके पास है, अगर कस्टम बनाना चाहते हो तो यहां पे आपके पास एच होता है आवर के लिए, एम होता है मिनट के लिए और एस होता है सेकेंड के लिए। एच एच एम एम करोगे तो ये आपका टू लेटर में आएगा, और ए एम पी एम के लिए आप यहीं पे ए एम स्लैश पी एम कर सकते हो, तो ए एम पी एम आएगा। पहले करोगे तो पहले आएगा, लास्ट टू लास्ट में करेगा। 24 घंटे का फॉर्मेट चाहिए तो एच को बड़ी, ए एम पी एम को हटा दीजिए और एच को बड़ी ब्रैकेट में डाल दीजिए, तो 24 घंटे का फॉर्मेट देगा आपको। लेकिन इसका इस्तेमाल इसी में नहीं करते हैं, हम कन्वर्टर की भी करते हैं। जैसे कि किसी ने 57 आवर्स का काम किया है, तो या जनरली जैसे ओवर टाइम वाला की कैलकुलेशन जो है आप लोग मिनट में करते हैं, तो इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो इसके ऊपर आप जाएं कस्टम में, मिनट में कन्वर्ट करना है तो बड़ी ब्रैकेट में एम लिख के डाल दें, तो मिनट में, सेकंड में करना है तो एम की जगह पे एस कर दें तो सेकंड में हो जाएगा। लेकिन ये जो दिखा आपको 3420, ये अभी जो है दिख रहा है ये वो नंबर नहीं है, वो टाइम ही है, क्योंकि फॉर्मेटिंग जस्ट विजिबिलिटी देता है, ओरिजिनलिटी चेंज नहीं करता है। मतलब कि आप कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं तो आपका विजिबल जो है वो चेंज होगा, उसकी ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगा। तो ओरिजिनल वैल्यू चेंज करने के लिए क्या करें, तो उसके जो मेथड आपने कस्टम फॉर्मेटिंग में अप्लाई किया है वही मेथड के लिए टेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। टेक्स्ट इसको सिलेक्ट किया और इसके जगह पे हमने बोल दिया बड़ी ब्रैकेट में एम, तो एंटर मारते ही देखिए 3420 आ गया। तो ये कस्टम फॉर्मेटिंग है। तो कस्टम फॉर्मेटिंग से आप लोगों के पास कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना हम अगला चैप्टर पे चलेंगे। नहीं है डाउट? चलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कस्टम फॉर्मेटिंग चाहे कोई फॉर्मेटिंग हो उसमें सेल में क्या टाइप है उससे कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन मुझे एक पर्टिकुलर कंडीशन में सेल को कलर करना है। जैसे नॉर्मली अगर कलर करना होता है सिलेक्ट करते हैं ऊपर से आगे कलर कर देते हैं तो ये कलर हो जाता है, लेकिन मुझे कलर यही कलर इसी तरह कलर करना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे एक कंडीशन पे हो कि अगर बोनस 5,000 से ज्यादा हो तो कलर हो, 5,000 ना हो तो कलर ना हो, ऐसे आपको कुछ करना है। तो उस केस में कैसे करेंगे, तो उस केस में सबसे पहले तो जिस कॉलम या जिस एरिया को करना चाहते हो पहले उसको आप सिलेक्ट करें, उसके लिए अप्लाई होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जाएंगे हाईलाइट सेल्स रूल्स, इसमें देखिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, ऐसे है। तो मुझे अगर ग्रेटर देन करना है मैं चाहता हूं कि 5,000 से ऊपर वाली बोनस हाईलाइट हो जाए, तो हम यहाँ ग्रेटर देन का इस्तेमाल करेंगे और यहां पे मैं 5,000 लिख दूंगा, तो देखिए जितने भी 5,000 है वो हाईलाइट हो गया। अब हाईलाइट का जो कलर है वो अगर चेंज करना चाहते हो तो बगल में यहां कलर चेंज करने का ऑप्शन है, डिफॉल्ट है येलो फिल, ग्रीन फिल, इस तरह से।
लेकिन इनमें से कोई पसंद नहीं आता है, आप चाहते हो कि मेरे हिसाब से हो तो कस्टम फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे। कस्टम फॉर्मेट में आए और देखे कि यहां पे आपके पास अपने हिसाब का कलर है, जो कलर चाहिए वो सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए, आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें और भी चीजें हैं, देख लीजिए कि लेस देन किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा करना चाहते हैं तो हाईलाइट हो जाएगा। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पे बिटवीन दो नंबर के बीच की वैल्यू, कि मैं 5,000 से 10,000 हाईलाइट करना चाहता हूँ तो मैं 5,000 यहाँ पे 5,000 लिखूंगा और फिर यहाँ पे 10,000 लिखूंगा, तो 5 से 10 वाली ही हाईलाइट हो गया। और कलर अपनी ज्यादा सेलेक्ट कर ले। तो यहां जो अभी तीन चीजें आपने देखा, ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन, इसमें हम तीन चीजें डाल सकते हैं, नंबर, डेट एंड टाइम। आप करेक्टर में डाल सकते हैं, मतलब कि मुझे कोई नंबर से बड़ा के नंबर से छोटा करना है तो सेलेक्ट कीजिए और मैं यहां से ग्रेटर देन, तो किसी डेट के बाद, जैसे 21 जो है ना, मैं बोलता हूं 11/1, तो 11/1 से जो ऊपर का डेट, बड़ा डेट है वो हाईलाइट हो गया। तो ऐसे यहां आप डेट डाल सकते हो, लेकिन कोई टेक्स्ट नहीं। अगर कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट में जो आईटी है उसको हाईलाइट करना है, तो इक्वल टू मतलब कि एग्जैक्ट सेल वैल्यू, उसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, डेट भी डाल सकते हो, टाइम भी डाल सकते हो, एवरीथिंग, मतलब कि एनी सेल वैल्यू यहां एंटर कर सकते हो आप। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक इक्वल टू काम नहीं आता, क्योंकि इक्वल टू में मान लीजिए मैंने दिल्ली को हाईलाइट किया, मेरे पास सिटी लिस्ट है और सिटी लिस्ट में मैंने यहां पे दिल्ली को हाईलाइट किया, तो जितने भी दिल्ली है वो हाईलाइट हो गए, बट देखिए जो न्यू दिल्ली है वो न्यू दिल्ली को हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि इक्वल टू एग्जैक्ट सेल वैल्यू मतलब सेम होना चाहिए। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो उसके लिए हमारे पास अगला आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करता है कि जैसे कि मैं यहां पे अगर दिल्ली किया तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों को हाईलाइट करेगा, मतलब कि कंट्रोल एस के ऊपर चलता है, फाइंड के ऊपर चलता है कि आपने जो वैल्यू डाला वो वैल्यू जिस सेल में होगी उस सेल को हाईलाइट कर देगा। तो टेक्स्ट दैट कंटेन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑकरिंग। अब डेट ऑकरिंग में जैसे मैंने बताया आपको डेट में कि आप कोई पर्टिकुलर डेट कर सकते हो, जैसे मैंने बोल दिया कि आज के बाद की डेट हाईलाइट कर दे या फिर आज की डेट हाईलाइट कर दे, तो मैं इक्वल टू में जाऊंगा तो आज की डेट जैसे कि 16/1/2018 कर दिया तो हाईलाइट हो गया। देखिए फिक्स है, कल मैं फाइल खोलूंगा तो कल 17 नहीं होगा, कल 16 ही होगा। तो उस केस में यहां पे हम आएंगे डेट ऑकरिंग में और यहां से कि टुडे, टुमारो, द लास्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक, लास्ट वीक, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, लास्ट मंथ, ये सब हाईलाइट कर देगा आपको। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम डेट से चलता है। सिस्टम डेट जैसे मैंने टुडे कर दिया तो ये आज का डेट हाईलाइटेड है, जैसे ही मैं कल इसको ओपन करूंगा वो कल की डेट हाईलाइट हो जाएगी। इसलिए तो ये डेट ऑकरिंग। फिर दूसरा आता है डुप्लीकेट वैल्यू, मतलब कि मैं एक मान लीजिए कि मेरे पास एक सेल, एक डेटा है, मैं इसमें मोबाइल नंबर लिखने जा रहा हूं, सॉरी यहां पे लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर लिखने जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू अगर मैंने लिख रखी है तो वो हाईलाइट हो जाए, अगर नहीं लिख रखी है, अगर लिखूंगा तो हाईलाइट हो जाए। तो आप पूरे सेलेक्ट करें इसको और यहां डुप्लीकेट वैल्यू में आए और इसमें आप डुप्लीकेट सेलेक्ट करें और यहां पे कलर सेलेक्ट करके ओके कर दें। जैसे ही मैं कोई नंबर दो बार लिखूंगा, लिख के एंटर मारूंगा, तो दोनों के दोनों हाईलाइट हो जाएगा।
दोनों हाईलाइट हो जाएगी। अगर 3 बार होगा तो तीनों हाईलाइट हो जाएगा। अब इसमें ये होगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगला आता है कि हम फॉर्मूला कैसे इंसर्ट करें, अपनी कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि अभी तक जो मैंने बताया तो फॉर्मूले के बारे में भी जानेंगे, उससे पहले कुछ और चीजों के बारे में जान लें, जैसे कि टॉप बॉटम हाईलाइट, ये टॉप 10 को हाईलाइट कर देगा या टॉप 100 को, जो पोजीशन इसके वैल्यू के हिसाब से होगा उसको हाईलाइट कर देगा, या टॉप 50 कर देगा, टॉप 50 को इसने हाईलाइट कर दिया। उसी तरीके से टॉप बटन में आता है बॉटम 10, नीचे को बॉटम 10 को हाईलाइट कर देता है। अबव एवरेज, अब इस पूरे डी कॉलम को सिलेक्ट किया तो इसका एवरेज आ रहा है 11,234। तो अगर मैंने टॉप बटन में गया, उसमें मैंने अबव एवरेज किया, तो जो एवरेज से 11,000 से जो ज्यादा है उसको इसने हाईलाइट कर दिया ऑटोमेटिकली। और कल के डेट में अगर कोई नंबर चेंज करते हो तो एवरेज चेंज होगा, तो भी अपने आप को चेंज कर लेगा, आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। एंड सेम बिलो एवरेज, इसमें दो चीज है, परसेंटाइल फॉर्मूले का अकॉर्डिंग होता है, तो परसेंटाइल फॉर्मूले सिखाने के बाद मैं बता दूंगा आपको। उसके बाद डेटा बार आता है। अब मान लीजिए कि मुझे इसको कंपेयर करना है कि 99, 100 और 63 में क्या कंपेयरिंग है, हाईएस्ट है लोवेस्ट है या फिर इनमें क्या कंपेयरिंग है, तो इसके लिए चार्ट तो नहीं बन सकता क्योंकि डेटा बहुत बड़ा है, तो चार्ट बनाना मुश्किल है। तो हम लोग डेटा बार का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी डेटा बार। तो डेटा बार क्या करता है कि जितना बड़ी वैल्यू वो उतना बड़ा चार्ट बना देता है। तो मैंने पूरा कॉलम सिलेक्ट कर रखा है, थोड़ा सा एरिया सिलेक्ट करूंगा तो आपको अच्छी तरह से दिखेगा। देखिए तो 99, 99 100 सबसे बड़ा है, तो देखिए पूरा फिल किया हुआ है। और यहाँ पे कम है, तो बाकी जो है कलर्स हैं। कलर 1 मिनट से 1 मिनट कीजिएगा। तो यहां पे हमने उसी तरह से कलर स्केल जो है वो कलर के अकॉर्डिंग करता है, कलर से हाईलाइट करता है, बड़ा को हाईलाइट कर देता है इससे छोटा को, बड़ा को ग्रीन टू रेड, रेड टू ग्रीन, इस तरह से हाईलाइट करता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं होता है। आइकन सेट जो है आइकन देता है कि अपर मिडल लोअर इस तरह से। लेकिन आइकन का एक और इस्तेमाल हम करते हैं, जैसे कि अगर मैं अपना डेटा में बताऊं कि यहां पे हमारे पास क्वार्टर 1 है और यहां पे हमारा क्वार्टर 2 है। क्वार्टर 1 में 20 सेल है, क्वार्टर 2 में 30 सेल है। अब इन दोनों की कंपेयरिंग करना है, तो कंपेयरिंग में इसके लिए आप ये कंपेयरिंग कौन बड़ा कौन छोटा के लिए आपको करना पड़ेगा, तो उसमें आप जो है आइकन इस्तेमाल करें, जो बड़ा होगा उस पर अप एरो, जो छोटा होगा उसमें डाउन एरो। कल के रेट में चेंज हुआ तो फिर ये भी स्टेप हो जाएगा अपने आप, तो इसका यूज भी आप अपने रिपोर्ट में कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, इस बात करते हैं फॉर्मूला की, कि फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करें, या फिर मैं चाहता हूं कलर करना नेम को और कंडीशन हमारा इसमें है, तो कलर का अलग करना चाहते हो और कंडीशन भी अलग से देना चाहते हैं। मतलब कि मैं नेम को हाईलाइट करना चाहता हूं कब, जब सैलरी बोनस एंड ओवरटाइम इसका परसेंट 10% मोर देन 5,000 है। तो इन चीजों के लिए हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला कहां मिलता है, न्यू रूल्स के अंदर, न्यू रूल्स और यहां पे यूज फॉर्मूला। अब इसमें जो है एक ध्यान और रखिएगा कि जहां आपने कर्सर, जहां आप फॉर्मूला लगा रहे हो वहीं पे कर्सर रखिएगा और सिंगल सेल सेलेक्ट कीजिएगा। अभी तक हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर रहे थे, बट यहां पे पूरा कॉलम सिलेक्ट नहीं करना है, एक सिंगल सेल को सिलेक्ट करना है। और यहां पे हमने किया इक्वल सम ब्रैकेट ओपन एंड पूरा को हमने ले लिया और बोला इसका
10% इज ग्रेटर देन 5000। और इसमें जो रो नंबर है इसमें क्या है, सेल में क्या होता है, सी जो होता है द कॉलम नंबर एंड टू होता है रो नंबर। एबीसीडी कॉलम होता है और ये रो होता है। तो इसमें से रो नंबर को के आगे का जो डॉलर है वो हटा देते हैं ताकि फ्रीज, डॉलर मतलब क्या फ्रीज हुआ, जब नीचे ड्रैग करेंगे तो दो तीन नहीं बनेगा उस केस में। फिर फॉर्मेट पे जाते हैं और यहां पे हम कलर कर देते हैं, तो कलर चाहिए एंड ओके एंड ओके। फिर नीचे की तरफ करने के लिए फॉर्मेट पेंटर से लीजिए और पेंट कर दीजिए। देखिए जहां जहां हमारा 10% 5000 से ज्यादा है वहां वहां आपका कलर दिख रहा है, जहां नहीं है वहां कलर नहीं दिख रहा है। या अनोदर एग्जाम्पल हम बोले आपको, जैसे कि मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर में मैं चाहता हूं कि जो मोबाइल नंबर हमारा है वो अभी क्या है कि मैं हमें डिलीट करना हुआ या फिल्टर करना हुआ तो तीनों कलर है तीनों सिलेक्ट होगा। मैं चाहता हूं नहीं, इसमें पहला कलर ना हो, उसके बाद जो डबल है डुप्लीकेट वो कलर हो, एक कलर ना हो, तो कैसे होगा? तो हमारे पास एक काउंट इफ का फॉर्मूला होता है। तो काउंट इफ का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो मैं इस कॉलन के अंदर में काउंट करना चाहता हूं कि ये मोबाइल नंबर कितना बार है। तो हमने लिखा काउंट इफ डी बाई डी, मतलब कि पूरा डी कॉलम, एंड डी टू मतलब कि डी रो एंड टू कॉलम, डी टू ए नंबर को सिलेक्ट कर लिया, एंटर मारा तो काउंट टू दिख गया। अब ये काउंट यहां भी टू दिखेगा और यहां भी टू दिखेगा। तो मैं चाहता हूं नहीं ऐसा ना हो, फॉर्मूला ऐसा लगे कि यहां पे वन दिखे और यहां पे काउंट टू दिखे। तो दूसरा, अगर हमने कहीं तीसरे जगह पे कहीं पे लिख दिया तो यहां पे तीन दिखा, यहां पे तीन दिखा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो इसके लिए हम यहां पे इक्वल काउंट इफ ही लगाएंगे। काउंट इफ और हम इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कॉमा हम करेंगे डी टू। तो डी से डी एंड कॉमा डी टू, तीनों एक जैसा लिखेंगे। लेकिन ड्रैग करने से पहले, कॉपी पेस्ट करने से पहले, मैं इसको पहले वाले डी टू को फ्रीज कर दूंगा। इससे क्या होगा, अगर जब इसको कॉपी करके यहां नीचे पेस्ट करूंगा तो ये दो यहां देखिए तीसरा हो जाता है। तो इसी फॉर्मूले को मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में इस्तेमाल करूंगा। तो पहले जो मैंने लगा रखा है डुप्लीकेट का, उसको मैं यहां से क्लियर रूल कर देता हूं। फिर मैं इस पे सेलेक्ट करूंगा और जाऊंगा न्यू रूल्स पे, यूज फॉर्मूला, और यहां पे इक्वल काउंट इफ डी टू से डी टू कॉमा डी टू। लेकिन ये डी टू जो है हमारा वो डॉलर साइन नहीं होना चाहिए रो में। और मैंने बोला कि अगर ए ग्रेटर देन वन हुआ तो, हमने कंडीशन क्या लगाया ग्रेटर देन वन हुआ तो। तो इसी तरह से इसमें आप अपनी फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, देन ओके। फिर फॉर्मेट पेंटर से लेके मैं बाकी जगह पे पेस्ट कर देता हूं। तो ए देखिए वो फिल्टर नहीं हुआ, हाईलाइट नहीं हुआ, बट ए हाईलाइट हुआ। ऐसी ए वाले वन हाईलाइट नहीं हुई लेकिन नीचे वाले दोनों वन हाईलाइट हो गए। तो जो एक बार सिंगल टाइम लिखाएगा वो हाईलाइट नहीं होगा, अगर मैंने उसी को रिपीट किया तो जो रिपीट करूंगा वो हाईलाइट होगा, जहां से रिपीट हुआ वो हाईलाइट नहीं होगा, उसकी पहली वैल्यू हाईलाइट नहीं होगी। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप लोगों को क्लियर है?
कंडीशन फॉर्मेटिंग में कोई डाउट आप लोगों को? नहीं है। चलिए अगला टॉपिक की बात करते हैं, प्रोटेक्शन। हालांकि सीट को प्रोटेक्ट करना आप लोग जानते होंगे, लेकिन कुछ प्रोटेक्शन के नियम है, उसको एक बार आप देख लीजिए। जब सीट पे मैं राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट करता हूं, और प्रोटेक्ट शीट में जाके अगर मैं मान लीजिए कोई पासवर्ड दे देता हूं, एक मिनट। हाँ यश जी, रेस्ट। हाँ, ये टॉपिक के बाद ले लेते हैं, प्रोटेक्शन के टॉपिक के बाद ले लेते हैं। तो प्रोटेक्शंस में, जैसे कि हमारी ये सीट है, इस सीट में मैं चाहता हूं कि कोई भी कुछ ना कर सके, कोई भी कोई चीज का टाइपिंग ना कर सके। तो हम क्या करेंगे, यहां पे पासवर्ड डाल देंगे, और फिर जैसे ओके करेंगे आपसे कंफर्म पासवर्ड मांगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पासवर्ड देने से पहले इस बात को जान लीजिए कि पासवर्ड रिकवर नहीं होते हैं एक्सेल के थ्रू। अगर पासवर्ड भूल गए तो रिकवर करने के और तरीके हैं, जो कि सॉफ्टवेयर होते हैं उससे रिकवर होता है, लेकिन रिकवर होगा इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए पासवर्ड आप सोच समझ के डालें, फिर ओके कर दीजिए। तो पासवर्ड डालने के बाद इस पे कुछ टाइप नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई कोई कॉपी भी ना कर सके, क्योंकि मैं पासवर्ड डाल दिया तो क्या होगा कि इसमें कोई देख सकता है, देख सकता है, कुछ चेंजिंग नहीं कर सकता बट कॉपी कर सकता है। तो मैं कॉपी भी अलाउड नहीं करना चाहता हूं। तो उसके लिए हमें, जब हम पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड अनप्रोटेक्ट करता हूं, पासवर्ड डाल के राइट क्लिक करके जब हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे, तो यहां पे लिखा है अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, कि प्रोटेक्शन के बाद जो भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, तो प्रोटेक्शन के बाद अब क्या क्या यूजर कर सकता है। अगर मैंने फॉर्मेट सेल किया तो सेल की फॉर्मेटिंग कर सकता है, हमने फॉर्मेट कॉलम किया तो सेल की कॉलम फॉर्मेटिंग कर सकता है, फॉर्मेट रो किया तो फॉर्मेटिंग रो कर सकता है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहां पे हम चाहते हैं कि सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, मतलब कि आप, दो तरह के सेल होते हैं, लॉक सेल और दूसरा होता है अनलॉक सेल। तो हम चाहते हैं कि दोनों में से कोई ना कर सके, तो मैं यहां से अगर दोनों को चेक अनचेक कर दूं, तो पासवर्ड डालने के बाद यहां कोई क्लिक ही नहीं कर पाएगा। और जाहिर सी बात है, क्लिक नहीं कर पाएगा, सिलेक्ट नहीं कर पाएगा तो कॉपी नहीं कर पाएगा, कि बिना सिलेक्ट किए कॉपी तो होता नहीं। इसलिए यहां पे दूसरा तरीका हम यहां चाहते हैं, जैसे कि ये एरिया है, येलो एरिया है, मैं चाहता हूं कि बाकी एरिया पे मैं कोई भी किसी भी तरह का चेंजिंग ना कर सकूं, बट इस येलो एरिया पे चेंजिंग कर सकूं। तो इसका भी जवाब हमें मिलता है प्रोटेक्ट शीट करते समय यहां से, कि प्रोटेक्ट वर्कबुक एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। तो लॉक सेल पे फॉर्मेटिंग प्रोटेक्शन अप्लाई होता है, अनलॉक सेल पे नहीं होता है। तो अनलॉक सेल क्या होता है, कि राइट क्लिक करके अगर मैं फॉर्मेट सेल पे जाऊं और इसकी सबसे लास्ट टैब प्रोटेक्शन पे आता हूं, तो उसमें यहां पे लॉक्ड होता है, तो जिस पे लॉक्ड क्लिक है वो प्रोटेक्ट है, ठीक है। जिस पे एक क्लिक है वो प्रोटेक्ट है, और जिसको हटा दिया वो अनप्रोटेक्ट है, मतलब कि उस पे पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल पे गया, और मैंने इसकी लॉक्ड को हटा दिया, मतलब कि ये प्रोटेक्शन से बाहर हो गया। अगर मैं अब सीट पे राइट क्लिक करूंगा, प्रोटेक्ट शीट करूंगा और इस पे पासवर्ड डाल के ओके कर दूंगा, तो इस पे आप कोई भी किसी तरह का चेंजिंग कर सकता है, बट इसके अलावा कहीं और नहीं कर सकता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया को आप अलाउ करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरा चीज, कि मैं पर्टिकुलर एरिया को अलाउ करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो एरिया मैंने अलाउ किया वही सिलेक्ट हो,
जैसे कि मैंने एक फॉर्म बनाया, तो यहां पे मैं लिखता हूं नेम, मान लीजिए मैं यहां लिख दिया सिटी, और मैं यहां लिख देता हूं अमाउंट। अब मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूं और मैं इसको फॉर्मेटिंग भी कर देता हूं। अब मैं चाहता हूं कि ये जो कलर एरिया है मैं इस पे ही टाइप कर सकूं, और टाइप करने के बाद जब मैं एंटर मारूं तो मेरा कर्सर डाउन नहीं, यहां पे डायरेक्ट यहां जंप करे और यहां जंप करे, और इन तीनों के अलावा कहीं और सिलेक्ट भी ना कर सकूं। तो पहले तो इन तीनों को लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में जाएं और लॉक्ड को हटा दें ताकि टाइप हो सके, क्योंकि लॉक्ड हट जाएगा तो ये पासवर्ड होने के बाद टाइप होगा। और फिर इसके ऊपर हम प्रोटेक्ट शीट करेंगे, और इसमें से देखिए लॉक्ड सेल अनलॉक्ड सेल, तो दो सेलों की यह सिलेक्शन त्रुटि है, तो मैं लॉक्ड सेल की सिलेक्शन हटा देता हूं ताकि सिर्फ अनलॉक सेल मतलब कि ये जो एरिया है यही एरिया सिलेक्ट हो। देन ओके अब मैं यहां पे देखिए कर्सर मारूंगा तो इन तीनों के अलावा कहीं और कर्सर नहीं जाएगा, और टाइप भी इन तीनों पे ही होगा, तो प्रोटेक्शन में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है कि मैं यहां पे एक ही एरिया पे दो तरह का पासवर्ड डालना चाहता हूं, एक सीट पे दो तरह का पासवर्ड, मतलब एक सीट पे दो पर्सन काम करते हैं, दोनों के लिए हम अलग अलग पासवर्ड चाहते हैं। तो उसके लिए आप डेटा मेनू में जाए, यहां पे डेटा मेनू माने रिव्यू में, माफ कीजिएगा रिव्यू में अलाउ एडिट रेंज। अब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, अलाउ एडिट रेंज पे आऊंगा, न्यू पे जाऊंगा, और मैं यहां पे एक पासवर्ड डाल देता हूं, पासवर्ड को कंफर्म करता हूं, फिर वापस न्यू पे आता हूं और यहां पे दूसरे एरिया को सिलेक्ट करता हूं, और दूसरे एरिया के लिए कोई दूसरा पासवर्ड डाल देता हूं। और इसको अप्लाई करके ओके करता हूं। तो ये एप्लीकेबल तभी होगा जब हम सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। तो सीट को हमने सिलेक्ट करके प्रोटेक्ट सीट किया, और फिर इसमें हम पासवर्ड डाल दिए। अब क्या है कि मैं इन इन दोनों एरिया के अलावा कहीं काम नहीं कर सकता, लेकिन जैसे मैं इस सीट पे टाइप करूंगा मैं यहां पे पासवर्ड डालना मांगेगा मुझसे। जैसे पासवर्ड डाल दूंगा अब मैं काम कर सकता हूं, लेकिन जस्ट इसी एरिया पे। कब तक कर सकता हूं? जब तक मैं फाइल को रीओपन नहीं करूं। जैसे रीओपन करूंगा अगेन मुझसे पासवर्ड पूछेगा, लेकिन जैसे मैं इस पे कुछ करने की कोशिश करूं तो मैं मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो दो अलग अलग पासवर्ड आप दे सकते हैं इसी पे। और छोटी चीज और है, जैसे कि मैं चाहता हूं कि मैं सीट डिलीट ना कर सके, तो रिव्यू में देखिए प्रोटेक्ट वर्कशीट है, इसका अप्लाई कर सकते हैं आप प्रोटेक्ट वर्कशीट का। इसे क्या होगा कि आपकी वर्कशीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। अब मतलब कि प्रोटेक्ट इसके ऊपर आप जो है वर्कशीट को ना डिलीट कर सकते हैं, ना इंसर्ट कर सकते हैं, रिनेम कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ऐसे आप फाइल की ओपनिंग पासवर्ड लगाना चाहते हैं कि भाई बिना फाइल को पासवर्ड ओपन ही ना हो, तो जनरली लोग क्या करते हैं उसको सेव एज करते समय लगाते हैं टूल्स में जाके। जैसे सेव कोई सेव करते हो फर्स्ट टाइम सेव करते हो तो टूल्स में करके लगाते हैं। टूल्स में जनरल ऑप्शन, यहां पे पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, एक पासवर्ड ओपन करने के लिए एक पासवर्ड मॉडिफाई करने के लिए। अगर मॉडिफाई पासवर्ड नहीं है तो फिर वो रीड ओनली में ओपन होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं मेरा फाइल ऑलरेडी सेव है और मैं उसे सेव नहीं करना चाहता, तो उस केस में आप इन्फो में जाएं और प्रोटेक्ट में जाके एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करें। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड करेंगे तो फिर आपका फाइल बिना सेव किए हुए प्रोटेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट बाद जो है हम वापस फिर रिज्वाइन करेंगे।
तो डेटा समराइजेशन मतलब कि किसी भी कंपनी डेटा को समराइज एनालाइज एंड रिप्रेजेंट करने के लिए हम पिवट टेबल का इस्तेमाल करते हैं। और जब देखा जाए कि हमारी मोस्टली रिपोर्ट में पिवट टेबल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर इस्तेमाल होता है। तो चलिए हम पिवट टेबल के बारे में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो पिवट टेबल लगाने से पहले दो तीन चीजें आप जान जाइए। पहला कि आपका हेडिंग ब्लैंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो यह हेडिंग के अकॉर्डिंग ही चलता है, तो इसलिए हेडिंग का ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है कि डेटा को पिवट टेबल के लिए डेटा को सिलेक्ट करें या ना करें, तो डिपेंड करता है डेटा के ऊपर। अगर डेटा पूरा ब्लैंक है तो पिवट टेबल में डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, वरना एक कंट्रोल ए इतना ही ले लेगा। इसलिए अगर पूरा रो ब्लैंक है तो अगर कोई एक सेल मान लीजिए यहां पर जीरो लिखा हुआ है तो फिर दिक्कत नहीं है, फिर पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाता है। अगर ब्लैंक नहीं है तो बिना सिलेक्ट किए पिवट लगा सकते हैं। लेकिन जैसे पिवट टेबल आप यूज करते हैं तो 2013 और 16 में एक नया ऑप्शन है रिकमेंडेड पिवट टेबल। ये आपके डेटा को सिलेक्ट कर दे मतलब डेटा को एनालाइज करके कुछ पिवट टेबल कुछ सैंपल रिपोर्ट्स टेबल पिवट टेबल को आपको रिकमेंड करता है कि आपके इस डेटा पे कितने तरह के पिवट बन सकते हैं। तो जो पिवट आपको अच्छा लगे उस पिवट को आप सिलेक्ट कर लें, यहाँ पे क्लिक करके देखें जो आपकी रिक्वायरमेंट को फिलफिल कर रहा है उसको कर ले। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि आप पिवट से क्या चाहते हो। पिवट से क्या निकलते हैं? समराइज इंफॉर्मेशन। किसके लिए? अपने मैनेजमेंट के लिए, ताकि उस इंफॉर्मेशन को देख के वो एक सही डिसीजन ले सके। जैसे कि मान लीजिए कि ये सैलरी का डेटा है कि किस पर्सन को कब हायर हुआ है और कितना सैलरी कितना बोनस कितना ओवर टाइम किस डिपार्टमेंट वर्क करता है कितनी छुट्टियां हैं क्या परफॉर्मेंस स्कोर है उसका किस सिटी के लिए और किस महीने का सैलरी है। तो अब बॉस को क्या काम पड़ गया कि उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट का एग्रीमेंट हर एम्प्लॉय से साइन करवाना है। तो उनको ये चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज टोटल हेड काउंट कि किस डिपार्टमेंट में कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क करते हैं, ताकि वो उसके हिसाब से कोड ऑफ कंडक्ट का जो एग्रीमेंट लेटर है वो उन डिपार्टमेंट के एचओडी को भेजे। तो हमें क्या चाहिए कि डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो हमें चाहिए डिपार्टमेंट वाइज नंबर ऑफ एम्प्लॉय। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके कीजिए। तो एक नई सीट पे रिडायरेक्ट होगा। तो पिवट टेबल कोई खास चीज नहीं है। पिवट टेबल में बस करना क्या है आपको कि जो यहां पे हेडिंग्स हैं, क्योंकि यहां हेडिंग अकॉर्डिंग चलता है, इसीलिए मैं आपको बोला कि आप हेडिंग को इग्नोर मत करें, हेडिंग ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। तो हेडिंग को उठा के और इन चारों में से किसी एक में रखना होता है। तो मैंने डिपार्टमेंट को उठाया और रो में रखा। रो में रखने से मेरा डिपार्टमेंट का लिस्ट यहाँ रो वाइज आया। अब मेरा डेटा में एक डिपार्टमेंट कई बार रिपीटेड है, बट पिवट जो है एक बार में एक ही को शो करेगा। अब हम कॉलम में क्यों नहीं रखें? हम इसको उठा के कॉलम में भी रख सकते हैं, लेकिन कॉलम वाइज बोर्ड बनेगा तो थोड़ा सा देखने में और लगता है, सही तरीके से ही लगता है, सही तरीके से समझ नहीं पाते, इसलिए तो हम इसको रो में रखेंगे। और जिस पे कैलकुलेशन करना है मतलब जिसका टोटल करना है, चाहे काउंट हो चाहे सम हो या मैक्सिमम हो एवरेज हो एनीथिंग, हम उसको उठा के वैल्यू में रखते हैं। तो नेम को वैल्यू में रखा तो बाय डिफॉल्ट एक काउंट आया। क्यों? कि नेम टेक्स्ट है, एबीसीडी है, इसलिए उसका सम तो हो नहीं सकता, इसलिए उसका काउंट यहां दिख गया। अब ये रिपोर्ट आपके सामने बन गई। अब इसको ऐसे तो नहीं भेज सकते, इसको थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इसका हेडिंग चेंज करना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे रोल लेवल लिखा हुआ है। अब मैं भेजूंगा तो कंफ्यूज आए कि रोल लेवल क्या है। तो इसलिए यहां पे डिपार्टमेंट आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं।
तो इसमें वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। और यहां पे हेडकाउंट, उसके बाद यहां जो है इन सब को भी चेंज कर सकते हैं। चेंज किसको नहीं कर सकते हैं? तो चेंज हम नंबर्स को नहीं कर सकते जिससे वो सम हो के आया है। अब फॉर्मेटिंग की बात रही, तो फॉर्मेटिंग जो है इसको हम यहां से भी कर सकते हैं कि यहां से बॉर्डर दे सकते हैं, कलर दे सकते हैं, सब चीज यहां से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं नॉर्मल फॉर्मेटिंग, मतलब कि जो नॉर्मल डेटा की फॉर्मेटिंग अगर हम पिवट टेबल पे करते हैं, तो दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि इन फ्यूचर में अगर आपका डेटा इंक्रीज होता है तो पिवट भी इंक्रीज होगा। जब पिवट इंक्रीज होगा तो आपका फॉर्मेट इंक्रीज नहीं होगा, और पिवट डिक्रीज होगा तो आपका फॉर्मेट डिक्रीज नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मेट पिवट का पार्ट नहीं है, आपने मैनुअली किया है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिवट की फॉर्मेटिंग आप यहां ऊपर पिवट टूल्स के अंदर, यहां डिजाइन आपको दिख रहा है, इस डिजाइन पे जाएं और यहां से करें। यहां से जो फॉर्मेटिंग करेंगे वो फॉर्मेटिंग पिवट के साथ रहेगा, और पिवट के साथ इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, पिवट से समरी निकालते हैं और उसको कॉपी पेस्ट करके अपने रिपोर्ट पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब बात आती है कि मुझे अगर ये भी पता करना है कि किस सिटी के किस इंप्लॉई, किस सिटी के किस डिपार्टमेंट में कितने इंप्लॉई है, मतलब मुझे दो लेजेंड के अकॉर्डिंग समराइज करना है, ताकि पता चल सके कि भाई अकाउंटिंग नौ है तो नौ एक ही जगह बैठते हैं या अलग अलग सिटी में बैठते हैं, क्योंकि मुझे कोड ऑफ कंडक्ट का एग्रीमेंट देना है। तो अगर मैंने डिपार्टमेंट एचओडी, मान लो कि अलग अलग सिटी है, मैंने एचओडी को दे दिया तो फिर वो उनको डिस्ट्रीब्यूट करने में दिक्कत आएगी, या नहीं कर पाए, भूल गए, तो वो डिपार्टमेंट वाइज वो खुद अलग अलग करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जो यहां नीचे स्क्रॉल करते हैं, जो सिटी कोड है, सिटी है, उसको उठा के हम कॉलम में रख सकते हैं। तो ये आपका कॉलम वाइज और रो वाइज रिपोर्ट बन के आ गया। लेकिन एक चीज ध्यान आप रखिएगा कि पहला चीज कि आप जब भी रिपोर्ट इस तरह से बनाते हैं तो इसमें आपके पास ब्लैंक्स आते हैं, तो आप चाहते हो कि ब्लैंक जो है उसको जीरो से फिल करना चाहते, इस पे जीरो देखना चाहते कि जीरो दिखे, कि खाली खाली जगह ठीक ही लगता है, जो नहीं है वो जीरो शो कर जाए। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करें पिवट टेबल ऑप्शन, और यहां पे तो आप दिखेंगे यहां कि फोर एम्पटी सेल शो, मैंने यहां पे जीरो रख दिया एंड ओके कर दिया, तो ये आपकी जीरो आ गई। तो इस तरह से चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपने पिवट टेबल में रखा है तो ध्यान इस चीज का रखिएगा, क्योंकि जो कॉलम में चीजें आप रखते हैं वो आपका छोटा होना चाहिए, मतलब कि यहां पे क्या है कि सिटी 5 या 10 या 12 है, इसलिए यहां आपको दिख रहा है। अगर आप सोचिए ये 500 हजार होता तो उस केस में हम सिटी को उठाएंगे और यहां डिपार्टमेंट के नीचे रख देंगे। डिपार्टमेंट के नीचे जब आप रखिएगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लेकिन मुझे इस तरह से नहीं दिखना है, क्योंकि एक ही कॉलम में आप देख रहे हैं कि अकाउंटिंग भी है और सिटी भी है। जैसे इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट करेंगे आप एक नहीं पता कर पाएंगे कि अकाउंट आपका डिपार्टमेंट कौन है और आपका सिटी कौन है। तो उस केस में पिवट टेबल ऑप्शन पे जाना है और डिस्प्ले के अंदर क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट पे क्लिक कीजिए एंड ओके कीजिए, तो आपको इस तरह से दिखेगा। ये जो सब टोटल दिख रहा है इसको नहीं चाहते उसको हटा सकते हो, यहां से राइट क्लिक करके हट जाएगा। तो आप क्लासिकल पिवट टेबल लेआउट पे नहीं गए तो आप डिजाइन पे जाके यहां भी रिपोर्ट लेआउट से भी अलग कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी एक चीज और जरूरत पड़ती है, जैसे कि मान लीजिए डेटा को बहुत, अगर पिवट लगाने के बाद भी आपका बहुत बड़ा रिपोर्ट बनता है तो फिल्टर वगैरह लगाने में दिक्कत होती है, क्योंकि
ये ब्लैंक है, तो मैं चाहता हूँ कि रिपीट हो जाए कि यहाँ भी अकाउंटिंग, यहाँ भी अकाउंटिंग, यहाँ भी अकाउंटिंग, जैसे ब्लैंक सेल अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, और इस तरह से कस्टमर सपोर्ट बढ़ जाए। तो उस केस में मैं रिपोर्ट लेआउट पे जाऊंगा और यहां पे रिपीट ऑल आइटम लेवल, रिपीट ऑल आइटम लेवल क्लिक करूंगा। आप देखेंगे यहां पूरे में अकाउंटिंग फिल हो गया। और एक जी और दिक्कत होती है कि अगर मान लीजिए इसमें ऐसा भी हो सकता है कि इसमें ए सेपरेटर का दिक्कत, तो मैं चाहता हूं अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में सेपरेशन आ जाए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिपोर्ट यहां डिजाइन में ही यहां पे ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर इच आइटम, तो इस तरह से ब्लैंक लाइन इंसर्ट हो जाएगा। हटाना चाहते हो तो यहां से रिमूव ब्लैंक लाइन, और यहीं से डू नॉट रिपीट आइटम लेवल, तो रिपीट में नहीं होगा। मैं रिपीट के जगह पे मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा पिवट टेबल ऑप्शंस, और यहां पे मर्ज पे क्लिक करूंगा तो मर्ज हो जाएगा। अब मर्ज के बाद आती है बारी ग्रुपिंग की, तो मैं यहां से सिटी को हटा देता हूं। ग्रुपिंग जैसे कि इसमें देखिए कि डी ये जो दिख रहा है आपको ना, तो चार जिट का, ये हमारा डिपार्टमेंट कोई नहीं है, ये हमारा वेंडर है, तो मैं चाहता हूं इन तीनों का टोटल इकट्ठा आना चाहिए वेंडर, वेंडर के नाम से। ये जो टीआरजी है ये भी वेंडर है, तो मैंने कंट्रोल दबा के सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पे राइट क्लिक करके ग्रुप करूंगा, तो यहां पे ग्रुप होकर आ जाएगा, ग्रुप वन आ गया। लेकिन यहां देखिए डिपार्टमेंट टू एंड डिपार्टमेंट आया, तो जो डिपार्टमेंट है उसको हटा देता हूं मैं, सिर्फ डिपार्टमेंट टू रह जाएगा, तो देखिए ग्रुप वन आ गया। और जैसा कि मैंने बोला कि मैं इसको चेंज कर सकता हूं, तो इसको हम वेंडर के नाम से लिख देते हैं। तो एक टेक्स्ट ग्रुपिंग कहलाता है कि सिलेक्ट करके आपने टेक्स्ट की ग्रुपिंग कर ली, बट नंबर की ग्रुपिंग करना हुआ तो जैसे कि मैं डिपार्टमेंट हटा देता हूं और मैं यहां से सैलरी रखता हूं, मैं चाहता हूं यहां पे कि नंबर ऑफ कितने एम्प्लॉई बिटवीन, जैसे कि 0 to 20,000, 20,000 to 30,000, 30,000 to 40,000 के बीच में नंबर ऑफ एम्प्लॉई है एक स्लैब के अकॉर्डिंग, तो उस केस में हम इसको सिलेक्ट करेंगे राइट क्लिक और ग्रुप पे जाएंगे, और यहां पे देखिए स्टार्टिंग एट और एंडिंग एट बाय डिफॉल्ट हो जाता है। तो आप मैनुअल जीरो, यहां पे जीरो भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और बाय 10,000 तो आप चेंज कर सकते हैं कि भाई इसमें कम और भी ज्यादा दिखे, एंड ओके कीजिए, आपको यहां दिख जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर की ग्रुप कहलाता है। नंबर के ग्रुप के बाद आता है डेट का ग्रुप, मतलब कि मैं चाहता हूं कि किस मंथ में कितना ज्वाइन हुआ है। तो अगर मैं डेट को रखूं, तो डेट जब रखते हैं तो मोस्टली ग्रुप ही होता है, लेकिन कभी कभी ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि मैं इस पिवट में बहुत ज्यादा यूज कर चुका हूं, डेटा में से पिवट समझ गया कि ग्रुप करना है, अदरवाइज आपको इस तरह से अनग्रुप ही मिलेगा। तो डेट को ग्रुप करने के लिए इस पे आप राइट क्लिक करें, यहां पे आपके पास आता है ग्रुप। ग्रुप मंथ वाइज करना है तो आपका मंथ वाइज ग्रुप हो जाएगा, नहीं मंथ वाइज के जगह पे आपको मंथ और क्वार्टर दोनों करना है, तो ग्रुप में आप दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, मंथ एंड क्वार्टर, इस तरह से क्वार्टर आ जाएगा। तो ये आपका ग्रुपिंग आता है। अब ग्रुपिंग के बाद बात करते हैं कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस जैसे कि मैं इसको हटाता हूं और मैं मंथ लेता हूं, मंथ की सैलरी का मंथ, और मैं यहां पे सैलरी का टोटल, नहीं मान लीजिए डिपार्टमेंट, माफ कीजिएगा डिपार्टमेंट भाई, सैलरी का टोटल लेता हूं, अब यहां पे एक बजट दिख रहा है आपको, तो अब यहां पे काउंट ऑफ सैलरी आ रहा है क्योंकि इसमें हो सकता है कोई ब्लैंक हो, इसलिए तो इस पे यहां वैल्यू फिल सेटिंग पे क्लिक करेंगे और काउंट के जगह पे हम सम करेंगे, तो यहां पे सम होगा, टोटल आएगा। अब मेरा क्या है कि बजट हमारा ए है, मैं चाहता हूं कि बजट से बाकी सबको
डिवाइड करके इसका कंट्रीब्यूशन मतलब परसेंटेज निकालो कि कितना परसेंट बजट आप लोगों ने यूज कर रखा है। तो उसके लिए यही बे सम ऑफ सैलरी के बगल में वैल्यू फील्ड सेटिंग दिखेगा, इसी पे जाइए, शो वैल्यू एज पे आइए, नो कैलकुलेशन, जहां पे नो कैलकुलेशन दिख रहा है वहीं पे परसेंटेज ऑफ, और यहां डिपार्टमेंट और बजट सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओके। तो यहां देखिए परसेंटेज आ गया। तो इसी तरह से और भी कैलकुलेशन दी गई है, आप उसको ट्राई करके देखिएगा, दिक्कत होगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देन अब बात करते हैं फील्ड की कैलकुलेशंस की कि सैल मान लीजिए कि मैंने यहां पे सैलरी का सैलरी डाल दिया, यहां पे बोनस डाल दिया एंड ओवरटाइम डाल दिया। अब सैलरी नंबर में है तो मैं यहां भी डबल क्लिक करके इसको सम कर सकता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है कि मुझे यहां पे टोटल इनहैंस सैलरी का नहीं है, मतलब कि मेरे डेटा में यहां पे इन दोनों का टोटल नहीं किया गया है कि भाई सैलरी बोनस और ओवर टाइम मिला के टोटल कितना मिला। और मैं यहां पे इंसर्ट करके टोटल कर दूं तो पिवट में आ जाएगा, बट मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा ना करने करने के रीजन ये है कि अगर मैं डेटा कुमलिप करता हूं, मैं टोटल करता हूं हर महीने का, तो फिर मुझे कॉपी पेस्ट करने में दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज आप पिवट में भी कर सकते हैं। तो पिवट में आप अगर जाएंगे एनालाइज के अंदर तो यहीं पे आपको दिखेगा फिल आइटम एंड सेल्स, इस पे आइए, यहां पे कैलकुलेटेड फील्ड आपको दिखेगा। यहां पे मैं लिख देता हूं टोटल और यहां पे मैं सैलरी को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा प्लस, बोनस को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा प्लस एंड ओवर टाइम को सिलेक्ट करके इंसर्ट करूंगा और फिर मैं इसको ऐड कर देता हूं देन ओके। तो यहां पे हमारा टोटल आ जाएगा। उसके अलावा यहां पे मैं कम्युलेटिव टोटल में मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे टैक्स निकाल सकूं, तो सबका मुझे 12% निकालना है। तो आप यहां टोटल, यहां पे टोटल को इंसर्ट कीजिए। तो इस पे सिर्फ फील्ड के साथ हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी कर सकते हैं कि इसका हम 18% या 28% जो भी टैक्स है उसको सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं, तो टैक्स आ जाएगा। अब इसमें सिर्फ हम कैलकुलेशन ही नहीं, अपने एक्सेल के फॉर्मूले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे टैक्स है, मुझे टैक्स डेसिमल्स में है, मुझे इसको रिमूव करके चाहिए, तो मैं यहीं पे कैलकुलेटेड फील्ड में जैसे कि मैंने लिख दिया आर टैक्स राउंड टैक्स, तो राउंड का फॉर्मूला यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं। एक्सेल सीट के फॉर्मूले भी आप अप्लाई कर सकते हैं कि राउंड और मैंने यहां पे टैक्स को इंसर्ट किया एंड कॉमा 0 और यहां ऐड कर दिया, तो टैक्स हमारा इंक्लूड हो गया। इस तरह चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन किसी ने आपको करके भेजा है, आपको पता नहीं है कि आखिर होता क्या है, मतलब कि क्या गया टैक्स, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आर्ट टैक्स है, टैक्स है और डेटा में देख रहे हो कैसे कोई फील्ड ही नहीं है। तो आप यहां एनालाइज के ऊपर आइटम फील्ड सेट में लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो एक नई सीट ऐड करेगी और उसमें बता देगा कि इसने कौन कौन से फॉर्मूले में कौन कौन से कैलकुलेशन कर रखा है, ये अलग से आ जाएगा। ये हो गया। अब अगला जो टॉपिक है उसको देखिए, एक बार बात करते हैं फेज फिल्टर का। अगला टॉपिक हमारा है पेज फिल्टर का। अब जैसे कि पिवट टेबल में मैं रिपोर्ट बना रखा है, ये जो आपके सामने रिपोर्ट दिख रहा है मैं रिपोर्ट बना रखा है और मैंने मंथ को यहां ऊपर रख दिया। अभी क्या है कि मैं यहां से मंथ के हिसाब से फिल्टर करता हूं तो मुझे उसका रिपोर्ट दिखता है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट है कि हर महीने का अलग अलग सीट पे, यहां पे हर एवरी मंथ का डिफरेंट डिफरेंट सीट पे मुझे इसका डेटा दिख जाए। तो मतलब कि मुझे 12 मंथ है तो 12 पिवट लगाने पड़ेंगे, हर पिवट में जाके जैन को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने सिंपल पिवट बनाया, हो सकता है आपके पास कॉम्प्लिकेटेड पिवट हो, तो हर सीट पे करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा।
तो उसका सॉल्यूशन है कि आप एनालाइज पे जाएं और पिवट टेबल, यहां देखिए शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, उस पे क्लिक कीजिए, मंथ को सिलेक्ट कीजिए एंड ओके कर दीजिए। जो मंथ हमने सिलेक्ट किया है उसको पेज फिल्टर में यहां यहां पे होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा वरना नहीं दिखेगा। तो हर महीने का नाम का सीट आ गया एक क्लिक पे और आपका डेटा भी मन गया, तो इसको आपने इजिली कर लिया। मैं दोबारा बता देता हूं, हो सकता है आप लोगों ने स्किप कर दिया होगा, क्या करना है। आपको पहले अपना पिवट बना लेना है जिसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग सीट पे रखना चाहते हैं, उस फील्ड को आप यहां फिल्टर पे रखना है और एनालाइज के अंदर में ऑप्शन में शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज पे क्लिक कर देना है बस। अब अगला टॉपिक आता है एक्सटर्नल डेटा सोर्स का। एक्सटर्नल डेटा सोर्स का मतलब ये हुआ कि मेरा एक डेटा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है और मुझे पिवट लगाना है। तो क्या होता है कि आपके ऑफिस में एक डम फाइल होता है, क्योंकि बहुत बड़ी फाइल होती है, उसको जब भी आप ओपन करते हैं तो आपके वो एक्सेल काफी ज्यादा हैंग होता है। तो आप चाहते हो कि बिना ओपन किए ही मैं पिवट दूसरे सीट में लग जाए, तो उस केस में एक्सटर्नल पिवट लगाते हैं। यहां पिवट टेबल या यूज एक्सटर्नल डेटा सोर्स, चूज कनेक्शंस और फिर ब्राउज फॉर मी, और यहां डेस्कटॉप पे आए और अपना डेटा को सिलेक्ट करके ओपन कर दें। अब एक बार में एक ही सीट से पिवट लगेगा, इसलिए वो सीट सिलेक्ट करें जिस सीट पे आपका डेटा है, देन ओके एंड देन ओके। अब देखिए आपका पिवट किसी और सीट पे है और हमने इंक्लूड यहां पे कर रखा है, और जैसे जैसे करेंगे, जैसे रिपोर्ट बनाएंगे, रिपोर्ट भी आपका बनता जाएगा। और रिपोर्ट में अगर आप स्लाइसर का इस्तेमाल करना चाहे तो स्लाइसर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक्सेल पिवट नहीं, हर में कर सकते हैं। तो स्लाइसर क्या होता है? स्लाइसर होता है फिल्टर। जैसे अभी आपको मैंने फिल्टर बताया, पेज फिल्टर में रखा तो ड्रॉप डाउन करना पड़ा, बट स्लाइसर में अगर आप एनालाइज में जाते हैं और यहां पे आप स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं स्लाइसर में मान लीजिए सिटी कोड, और यहां पे मैं करना चाहता हूं मंथ के हिसाब से एंड परफॉर्मेंस स्कोर के हिसाब से एंड ओके, तो इस तरह का आ गया। तो डैशबोर्ड वगैरह बनाने में हम इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करते हैं। मैं यहां पे दिल्ली सिलेक्ट करूंगा तो सिर्फ दिल्ली का डेटा आएगा, एक उससे ज्यादा करूंगा तो उससे ज्यादा का आएगा, डेटा शो करेगा। तो फिल्टर अच्छा होता है। और जैसे कि अगर आपने चार्ट ओवर दिया है तो आप यहां इंसर्ट करें, कहा गया आपका चार्ट, यहां से हमने चार्ट ले लेते। अब मुझे कहीं पे सिर्फ चार्ट ही शो करना है तो मैं इसको कट कर लेता हूं, कट करके, और जहां मुझे शो करना है मैं एक अगली सीट पे शो करना चाहता हूं इस पे ले गया। ऐसे दो तीन चार एक ही है, मान लो कि मुझे एक और पीवर्ड का चाहिए, तो ये क्या है, डिपार्टमेंट वाइज काउंट है, मैं चाहता हूँ सैलरी भी चाहता हूँ उसके साथ, तो मैं इसी पिवट टेबल को वापस कॉपी करता हूं और मान लीजिए कि यहां पे लगा देता हूं, सॉरी इसी कॉपी कर लोगे तो हो जाता है, बट कॉपी में नहीं हो रहा है, कॉपी एंड पेस्ट, हाँ है हो गया। एनालाइज में आइए, यहां पे फिल लिस्ट यहां से हटा हुआ है इसलिए ऐसा नहीं आ रहा था। अब इसमें डिपार्टमेंट वाइज मैंने सैलरी रख दिया, सैलरी रख लिया। अब मैं इसको भी चार्ट बनाता हूं, मान लीजिए हमने चार्ट ले लिया और इसकी चार्ट में इसकी डिजाइन में जाके चार्ट की डिजाइन को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। अब मैं इसको कट करता हूं और जो हमारी रिपोर्ट शीट जो दूसरी शीट जो मैंने बनाई है वहां पे भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अब मैं स्लाइसर में चेंज करूंगा तो यहां भी चेंज होगा, फिर स्लाइसर डाल रखा मैंने यहां पे तो ये चेंज हुआ, देखा चेंज हो रहा है।
और एज डेटा चेंज होगा तो आपका यहाँ पीवर्ड भी चेंज होगा, तो स्लाइसर तो दूसरे सीट पे है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप एक से ज्यादा पीवट लगाते हैं तो स्लाइसर कनेक्ट नहीं होगा। कनेक्ट कब होगा, जैसे कि आपने पहले पीवट लिया और स्लाइसर लगा के फिर बाकी पीवट को कॉपी पेस्ट किया आपने तो कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपने पहले पीवट लगा दिया, सारे पीवट लगा लिए, बाद में स्लाइसर लगाया तो फिर कनेक्ट नहीं होगा। तब कनेक्ट करने के लिए उस जिस पे कनेक्ट करना है पीवट पे उस पर क्लिक करना पड़ेगा और एनालाइज के अंदर में यहाँ फिल्टर कनेक्शन दिखेगा, फिर जाके फिल्टर कनेक्शन में यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। और जैसे चार्ट को उठा के किसी अनदर शीट ले गए थे, ऐसे इसको भी कट करके कंट्रोल एक्स से कट करके किसी और शीट पे ले जाया जा सकता है। सॉरी या कॉपी करके ले आया जा सकता है। एक मिनट की कट भी हो गया, हाँ कट, हाँ पेस्ट, ठीक है। अब यहां पे आप चेंज कीजिए, सेलेक्ट हो रहा है ना। तो आपका इसे होता है क्या कि इस पे चीज क्लिक कर रहे हो, आपका यहां पीवर का डेटा चेंज हो रहा है, पीवर का डेटा चेंज हो रहा है तो आपका चार्ट भी चेंज हो रहा है। तो आप रिपोर्ट वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये पीवट टेबल का टॉपिक रहा। तो आज की क्लास में हमने इन सीओ पे डिस्कस किया। आज की रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों को YouTube पे डाल के लिंक भेज दूंगा।